हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ GTA 5 गाइस। तो यार कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, फाइनली हमारा जो AI सिक्योरिटी ना, उसको हमने गाइस डीएक्टिवेट कर लिया, क्योंकि हमारा जो फ़ोन हैक हुआ था ना भाई, उसमें सारा का सारा कमांड उसी में था। बट जो न्यू हैकर आई हमारे पास, उसने ना सब कुछ सही कर दिया। एंड भाई रातों रात मेहनत की इस लड़की ने, मतलब ये हैकर ने, और फाइनली ना सब कुछ ठीक कर दिया। एंड कुछ ही घंटों में ये ठीक होने वाला है। सो यार अभी हम लोग ना आपको बताता हूँ लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। सो यार लास्ट एपिसोड में ना भाई हम लोग गए थे टॉमी और गैंग के पास, मतलब लीडर के पास, और वहाँ पर हमने प्लान बनाया कि देखो भाई सबसे पहले ना हमको मारना है मार्टिन के जो बेस है ना, उसका जो बेस है, मतलब जितने भी उसके डिफेंस सिस्टम है ना, आपने देखा कितनी सारी चीज़ें उसके पास। फिर दूसरा प्लान था उसका जो सीक्रेट माइन बेस है, उस पर अटैक करना, जो कि हमको उसकी लोकेशन मिल चुकी है। बट उससे पहले ना हम लोग को जाना था वहाँ पे अटैक करने के लिए। बट ट्रेवर किडनैप हो जाता है, जैसे मुझे किडनैप किया था YCT लेक जाकर, वैसे ही सेम स्टाइल में ना ट्रेवर को भी किडनैप कर दिया था। बट फिर हम लोग ट्रेवर को बचा लेते फाइनली, बहुत सारी फाइट करते हुए। फिर हम लोग आते हमारे बेस पर, बट हमारा प्लान गाइस जो था ना भाई, वो बिल्कुल ही कम्प्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही हमारे गैंग बेस पे अटैक हो चुका है, वो भी ब्लैक कमांडोज का, मतलब इतने खतरनाक कमांडोज थे ना। बट कोई बात नहीं, बट हमारे सारी सिक्योरिटी NSG, निंजा, मॉन्स्टर और NSG और बहुत सारी हमारे खतरनाक गैंग के लीडर थे, और इसीलिए हम लोग बच गए, वरना हम लोग बचना हमारा तय नहीं था। इतनी गंदी वाली फाइट हुई ना, अगर आपने नहीं देखा एपिसोड तो जाके देख लेना, बहुत खतरनाक वाला एपिसोड हुआ है। सो चलो गाइस इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखो हमारा ना जो टैंक है, जो मतलब सॉरी AI सिक्योरिटी का जो रोबोट है ना भाई, वो फाइनली अभी थोड़ा सा गाइज कंट्रोल में आ रहा है। देख रहे हो अभी ना सब कुछ, मतलब कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कमांड थे वो सारे भाई मेरे फ़ोन के अंदर थे। बट वो फ़ोन मेरे को किडनैप किया था उसी के पास है भाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई इस हैकर ने। एंड ये हैकर ना बहुत खतरनाक है गाइज, मैं सोच रहा हूँ इसको टीम में ले लूँ। आपसे मैंने पूछा था इसको टीम में लेना है कि नहीं, एंड आप में सब में सबने बोला कि यार इस हैकर को ले लो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हैकर है। सो गाइस मैं ना इसको हैक टीम में ले रहा हूँ, एंड इसको मैंने अभी तक बोला नहीं टीम में मैं लेने वाला हूँ, मैं उसको बोल दिया हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो खतरनाक हैकर है भाई, मतलब इतनी जल्दी काम कर रही ना। वैसे ये वाली भी हैकर है, बट ये थोड़ा ना गाइस अलग कैटेगरी वाली हैकर है गाइस। ये लोकेशन निकालती है, बट ये जो है ना भाई बड़े वाले चीज़ें हैक करती है, मतलब इसके ऊपर लेवल की है। सो गाइस आज ना हमें बहुत सारे काम करने, अभी जो हमारा जो पिछला काम रह गया था ना भाई साहब, मतलब उसके बेस पे अटैक करना, इतने सारे उसके पास टैंक है ना भाई, इतने सारे टैंक हेलीकॉप्टर्स एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ है भाई उसके पास वो ही। और गाइस उसका जो एक बिजनेस है, पता नहीं वो एक सीक्रेट माइन है जिसमें वो अपना सोना वगैरह भाई सब कुछ करता है, वो सारा प्लान हमें पता चल गया था। बट उस पर हमें अटैक करने जाना था, मतलब उसको हमको वीक करना है, ठीक है ना, हमें उसे वीक करना था। बट चलो हम लोग करने वाले, तो मैं उसको बोलता हूँ यार तुम हमारे टीम में आ जाओ। तो यार उसको मैंने बोल दिया गाइस फटाफट से ना डील हो, मतलब इसको बोल देंगे कि यार तुम अभी मेरे टीम में आ जा, मतलब तुम हमारे अभी बेस में रह सकते हो। सो यार इसको पता नहीं था, अभी मैंने इसको बोल दिया है, अब पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा गाइस, मतलब चलो यार गाइस मज़ा ही आ जाएगा। सो यार यहाँ पे थोड़े से गले मिल लेते हैं, मतलब भाई खतरनाक हैकर है गाइस बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी जल्दी ना भाई इतना बड़ा AI सिक्योरिटी को, मतलब जो रोबोट है ना अपना, मतलब रोबोट है ये AI वाला, मतलब ऑटोमेटिक काम करता है। सो यार अभी ना हमको भी जाना है फटाफट से, अभी बहुत टाइम बहुत लेट हो चुका हूँ, क्योंकि अपना जो मिशन था ना, हमारा जो गैंग का लीडर है, मतलब मैं उसके गैंग में अभी तक ज्वाइन नहीं किया, बस हम लोग फ्रेंड मिलके काम कर रहे हैं। एक सेकंड यहाँ पे ट्रेवर और फ्रैंकलिन क्यों आए भाई? अच्छा लग गया मुझे लिख जाने के लिए आए। भाई क्या हो गया भाई, क्यों आ गए तुम लोग इधर? एक सेकंड भाई इनसे बातचीत करते, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ऑल राइट गाइस इनसे बातचीत मैंने किया, और ये कह रहे हैं कि तू इतना लेट कर रहा है भाई साहब, अपना जो काम करना है ना भाई फटाक से करना है, उससे पहले कुछ हो जाएगा इस। तो मैं आपको बता रहा था भाई, जो मार्टिन है ना भाई, उसको हमको वीक करना, मतलब उसके जो भी उसके पास टैंक वगैरह, आपने देखा लास्ट एपिसोड में उसने हम पे टैंक वगैरह से भाई बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से अटैक किया। तो भाई वो जहाँ पे जिसके इतने सारे हैं ना बेस, मतलब जितने भी उसके टैंक हेलीकॉप्टर है भाई, सब कुछ ब्लास्ट करना है, और भाई उसको लेके आना है ज़मीन पे, मतलब उसकी औकात उसकी दिखाएंगे। सो यार चलो फटाफट से सारा का सारा जो भी मिशन है भाई वो करेंगे। एक सेकंड ये ब्लू यार, ये कार में आए क्या तुम लोग छपरी लोग? यार ये कौन सी कार ला ली है फ्रैंकलिन? ये किस कार में ला लिया तूने मुझे भाई? ये कह रहा है कि ये कार हमारी नहीं है। अच्छा ये तो, अच्छा ये हैकर की कार है, इसका नाम ईमा है। हाँ वही यार सही है, इसका नाम ईमा है गाइस। और चलो यार वही बोलो यार, पिंक कार में ला लिए भाई, मतलब यार चलो सही गया, मैं तो डर गया भाई। और ये एक सेकंड, ये तो फॉर्चूनर है भाई, इस पे तो मेरा नाम भी लिखा है।
भाई भाई आपको याद है कल ना, कल वाली फाइट में जो हमारी वाइट फॉर्च्यूनर थी भाई, वो ब्लास्ट हो गई थी। और ये कह रहा है कि देखो जो गैंग का लीडर है ना, उसने तुम्हें ब्लैक फॉर्च्यूनर गिफ्ट की है। यार ये तो गाइस सही है, आप लोग बताना भाई वाइट बढ़िया है या ब्लैक बढ़िया है। मतलब ये देख रहे हो ना गाइस, ब्लैक कितनी बढ़िया लग रही है भाई। वाइट वाली मेरी कल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो गाइस यार ये तो बहुत बढ़िया वाली फॉर्च्यूनर लग रही है। बट मतलब यार देख रहे हो ना गाइस, मतलब कितना ख्याल रख रहा है गैंग का लीडर हमारे लिए। मतलब मज़ा ही आ चुका है भाई साहब, मतलब ब्लैक वाली फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दी और हमारे पीछे से NSG सिक्योरिटी भी आ रही है। क्योंकि यार आपको पता है, एक सेकंड, ये भाई ये बंदा हमेशा लिफ्ट मांगते रहता है, इसकी भैंस की आग भाई मेरे घर के आसपास ही भाई आवाज़ करता है। भाई आज के बाद दिख मत जाइयो इधर भाई, रोज़ आता है भाई, मतलब रोज़ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है क्या भाई, पता नहीं क्या सीन है यार, दिमाग ख़राब करता है रोज़, हेल्प हेल्प करो बोलता है। तो चलो यार अभी ना फटाफट से, अभी गाइस हमको काम पे आना है और अभी ना हमको इधर जाना है। जो गैंग का बे लीडर है ना, उसने बुलाया हमें, मतलब डायरेक्ट बेस, मतलब डायरेक्ट जो मार्टिन का बेस है ना भाई, वहाँ पे बुलाया गया डायरेक्ट हमको देखने के लिए क्या सीन है। और उसके पास कितने सारे गाइस चीज़ें, पता नहीं क्या क्या है उसके पास भाई, हर चीज़ देखेंगे। तो चलो यार फटाफट से ना आपको लोकेशन की ओर मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली ना हम लोग आ चुके हैं इतना भाई ट्रैवल करने के बाद, एंड यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और इधर ही क्या ना, मेरे को बताया ड्राइवर, इधर ही है क्या भाई, इधर तो नहीं ना, इधर तो कोई दिख नहीं रहा अपना। एक सेकंड, यहाँ पे इतने सारे भाई, एक सेकंड, ये गलत जगह तो नहीं आ गया ना भाई, इतने सारे टैंक इधर भाई आपको दिख नहीं रहा। आप राइट में देखो एक बार भाई, इधर ही बुलाया ना, कहाँ पर है अपने भाई, टॉमी और गैंग के बंदा कहाँ गए, लीडर कहाँ गए इधर। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड, अरे ये रे पीछे, इसकी भैंस की आग आवाज़ तक नहीं दे रहे यार, इतना एटीट्यूड है इन लोग में भाई, पता नहीं गाइस क्या सीन है भाई, खुद को क्या समझते हैं, इनको लगता है ना भाई इनसे बड़ा कोई इंसान ही नहीं भाई। भाई यार गाइस फालतू का यार, ये मेरा दिमाग ख़राब कर देना भाई, आवाज़ तक नहीं दे रहे भाई, मैं तो भटक गया था भाई। चलो यार इधर अपने फॉर्चुनर गाइस इधर लेके जाते हैं। चलो यार कोई बात नहीं, अभी हमको ना मिल के काम करना, इसलिए भाई इसके लिए मैं साथ दे रहा हूँ, वरना साले को या टॉमी और जो भी है ना साले को भाई खोपड़ी फोड़ देता। बट गाइस कोई ना, वैसे गाइस आप लोग बताओ, टॉमी से हमको फ्रेंडशिप करनी चाहिए क्या नहीं, मतलब टॉमी तो वैसे अच्छा बंदा है, बट क्या लगता है हम लोग सिर्फ इसका मतलब आगे जाके भी फ्रेंडशिप रखे, या गाइस इसको मतलब मार्टिन को मारने तक ही रखे। आज तो भाई मार्टिन गेम ओवर है, ठीक है ना गाइस, आज फाइनल गाइस हमारा जो मार्टिन है भाई, उसका गेम ओवर करना है कैसे भी करके, आज की आज ख़त्म करना है, क्योंकि आज पूरा का पूरा उसका गाइस सब कुछ तबाह कर देंगे, हर चीज़ जिससे वो पैसा कमाता है, जिससे वो अपनी आर्मी को लेके आता। एक सेकंड, ये इतने बदबू कैसे आ रही है, अरे यार भाई ये सामने देखो यार गाइस, मैं क्या बोलूँ यार, ये कितना चिकन भाई कहाँ से ला लिया भाई, यार ये यार पूरे पैंट ख़राब हो गए, आज तो मैंने नया लुक लिया था गाइस, हर चीज़ नहीं थी भाई, आज मैंने नया सूट पहना है, नई कटिंग की, एंड भाई देख रहे हो। एक सेकंड भाई क्या कह रहा है, एक सेकंड इससे बात कर लेते हैं गाइस, क्या कह रहा है ये। और गाइस ये कह रहा है कि देखो सबसे पहले ना हमें ब्लास्ट करने से पहले हर चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके पास क्या क्या है, तो ये ड्रोन है गाइस, इसके पास ड्रोन भी है। सो गाइस यार ये ड्रोन की क्या ज़रूरत है यार, मैंने मेरे पास ये, एक सेकंड मैं इससे देख लूँ। ये कह रहा है कि देख इससे तो कुछ दिखने वाला तो है नहीं गाइस, बट यार मेरे कपड़े ख़राब हो गए कसम से, आज मैंने नया हेयर स्टाइल किया, वो कैसे लगा ज़रूर बताना, और थोड़ी दाढ़ी भी रख ली है। और गाइस चलो यार थोड़ा सा भाई, ड्रोन ये बंदा उड़ाने वाला है गाइस, देखते हैं गाइस, स्पेशल यहाँ से दिख रहा है भाई, बट ड्रोन शॉट लेंगे, पता नहीं यार ड्रोन से पता चल जाएगा कितने लोग हैं। और अभी ब्लास्ट करना है ये पूरा सारा का सारा एरिया, मतलब समझ रहे हो भाई, फुल ब्लास्ट करना है, ऐसे नहीं कि गाइस मजाक है भाई, भाई जितना भी एरिया लग रहा है भाई पूरा तहस नहस करना है, एक भी चींटी नहीं जानी चाहिए, मतलब हर चीज़ है ना भाई तबाह होने वाली है, मतलब हर चीज़ तबाह। सो यार चलो फटाफट से भाई, जल्दी से उड़ाओ इस ड्रोन को भाई, फटाफट से उड़ाओ भाई, हमको ना अभी इंतज़ार नहीं है, क्योंकि अभी हमको इसको ब्लास्ट करना है, बट ब्लास्ट करेंगे कैसे, ये भी एक सवाल की बात है गाइस, ठीक है ना भाई, ब्लास्ट कर देंगे मतलब ऐसे जो है डायरेक्ट जाके ब्लास्ट कर देंगे भाई, उसके लिए कुछ ना कुछ लगेगा ना भाई, मिसाइल वगैरह लगेंगे जो कि हमारे पास नहीं है, बट चलो कोई ना, अभी हम लोग मिसाइल का अरेंज भी करेंगे भाई, बड़े वाले मिसाइल, पता नहीं यार जो कि हमको हेल्प करे इसको उड़ाने में। सो एक सेकंड भाई, यहाँ पे ड्रोन से हम देख रहे हैं भाई साहब, इतने सारे इसके पास आर्मी है गाइस कसम से भाई, कल ही इसने मेरे पे अटैक किया और कल ही मैंने कितने सारे इसके 50-60 हेलीकॉप्टर नीचे मार गिराए। बट गाइस ये क्या है भाई, इसके पास एयर डिफेंस भी है, जो देख रहे हो ना भाई एयर डिफेंस जो बड़े बड़े होते हैं भाई साहब, इसके सारे हेलीकॉप्टर कम है गाइस, क्योंकि मैंने सारे पहले फोड़ रखे थे। ये देखो यार गाइस, ऑलराइट गाइस यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं इसके भाई, ये कमांडोज है ठीक है,
जो उसकी पुरानी सिक्योरिटी पता नहीं उसने उसको निकाल दिया एंड भाई कमांडो को रख दिया। अरे यार ड्रोन शॉट कहाँ ले रहा है यार तू? चलो सही कर रहा है वरना इन पे शक ना हो जाए। सही कर रहा है ये भाई, दूर से ले वरना नज़दीक से लेंगे ना भाई उनको शक हो जाएगा। क्योंकि ना गाइस भाई समझ सकते हो भाई, हम लोग इतने नज़दीक है ना इनके कसम से। और यहाँ पर आप देखो यार कितने सारे भाई टैंक, देखो भाई एक टैंक फोड़ने में टोटल 10-12 मिसाइल छोड़ने पड़ते गाइस, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर कितने सारे टैंक है और वो भी गाइस प्रूफ है भाई, हर चीज़ प्रूफ है भाई। यहाँ पर एक प्लेन भी खड़ा है और ये उसका बेस है गाइस, जहाँ पे इसके जो आर्मी है कमांडो वो चीज़ यहाँ से आती है, जहाँ से हमको हमला करना है ना ये यहाँ पे बैठते हैं और इस पे बैठ के ना अटैक कर देते हैं। सो गाइस तो हमको पहले उसको वीकनेस हमारी है कि इसका सारा जितना भी बेस है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे ना वो हमारे जिससे वो हमें कभी भी उससे अटैक नहीं कर सके। क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ है ना भाई, छोटी बात नहीं है। इसको हम लोग अगर फोड़ देंगे तो भाई उसकी औकात तक नहीं वो हमें अटैक कर सके। क्योंकि उसको पता है वो बंदा पूरा अपने आर्मी के ऊपर डिपेंड, मतलब जब मैंने उससे 1v1 किया ना भाई साले को उठा उठा के पटके, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है। सो गाइस हम लोग इसको पूरा का पूरा ब्लास्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर देखते हैं गाइस इधर ना भाई हेलीकॉप्टर भी है, फाइटर वाले हैं, बहुत कुछ है यार भाई, देख रहे हो ना कसम से। एक सेकंड यहाँ पर देखो, कोई बात नहीं गाइस इसको हम लोग पूरा का पूरा ब्लास्ट करने वाले भाई, पूरा का पूरा यहाँ पर मिसाइल गिराने वाले। सो यार वीडियो पूरी देखना और वीडियो का लाइक टारगेट है 1.5 के लाइक्स, और आप लोग सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो जो कि मेरे को दिल से बुरा लगता है। सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे एक महीने से एंड आप लोग लाइक ही नहीं करते, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो यार चलो अभी यार देखना ले, आराम से भाई पीछे ले लेंगे। चलो यार इसको ना हम लोग वापस बुला लेते हैं वरना पता नहीं, देखना ले यार गाइस कसम से, अगर देख लिया ना भाई हम लोग वैसे हमारी सिक्योरिटी लेके नहीं आए भाई, अकेले आए हुए यार। फटाक से जल्दी से बुला ले उसको, थोड़ा दूर से बुलाना वरना शक ना हो जाए उनको। चलो यार भाई इन्होंने गाइस देखा नहीं, वैसे उसकी आवाज़ बिल्कुल भी बहुत धीमे आ रही है तो मुझे लगता नहीं बहुत ऊपर से ड्रोन उड़ाया वैसे। सो यार अभी ना हमको एक कुछ काम करना पड़ेगा, अभी इसको पूछता हूँ। यार गाइस ड्रोन नीचे आ चुका है और गाइस ये कह रहा है कि देखो ये सारा का सारा हमें ब्लास्ट करना है, वो तो मुझे पता है, बट इसको ब्लास्ट करने के लिए ना हमें चाहिए जेट प्लेन्स, जो कि हमें किसी के पास नहीं, और जेट प्लेन इतने महंगे आते हैं ना भाई और इसको कोई ले भी नहीं सकता है। जेट प्लेन भाई मामूली इंसान हो या माफिया हो कोई ले नहीं सकता है विदाउट गवर्नमेंट और आर्मी के परमिशन से। तो गाइस अब हमें एक ही काम करना है, गवर्नमेंट की जो आर्मी बेस है आर्मी बेस में घुसना है और वहाँ से जेट प्लेन चुराना है और एक घंटे के अंदर भाई ब्लास्ट करना है। अगर एक घंटा भी हो गया ना तो आर्मी वाले हमको पकड़ लेंगे GPS ट्रैक करके। सो गाइस ये काम हमें एक घंटे के अंदर करना है। सो अब हम लोग फ्रैंकलिन ड्रेवर मैं और निकलना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको जाना है अभी गाइस आर्मी बेस पे। तो अभी यार आर्मी बेस पे जाने से पहले यार हमको गाइस वहाँ पे एंट्री तो मिलने वाली नहीं है, और मेरा पहले गाइस मैं प्रेसिडेंट का फ्रेंड हूँ तो वैसे भी गाइस वो कहेंगे कि यार जेट तुम्हें क्यों चाहिए, तो मुझे ना वो एक सेकंड भाई इतनी गाड़ी फास्ट भगा रहा है ये गैंग का लीडर भाई, क्या कर रहा है आराम से भाई। सो गाइस हमको ना मास्क पहन के जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं वैसे जाऊंगा तो मेरा नाम ख़राब हो जाएगा लॉन्च सेंटर्स में, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मैं भी प्रेसिडेंट बनूँ भाई, और प्रेसिडेंट अपना फ्रेंड है और मुझे वो पार्टी में ज्वाइन नहीं करा रहा है, तो यार मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक प्रेसिडेंट बनूँ एंड बढ़िया सा भाई काम करूँ गाइस। तो कोई बात नहीं, तो मैं मास्क पहन के मिलिट्री बेस में जाऊँगा भाई, मेरा कुछ काम नहीं है, किसी को मारना नहीं है आर्मी वालों को, बस हमको जेट चाहिए जो कि ब्लास्ट कर सके और उन्हें ये भी ना लगे कि मैंने उस पर अटैक किया, उन्हें लगे कि आर्मी वालों ने अटैक किया। सो यार चलो फटाफट से ना आपको आर्मी बेस पे मिलते हैं। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सैंडी एयरफील्ड पर, और यहाँ से हमको एक यहाँ पर ना बहुत सारे गाइस एक क्राफ्ट्स होते हैं, मतलब प्लेन्स होते हैं, जिससे ना हम लोग उड़ के जाएंगे आर्मी बेस पे, मतलब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे तो भाई चेकिंग वगैरह होंगी और वहाँ पे हमें रोक दिया जाएगा। और यहाँ पे हम सब ने ना भाई बढ़िया बढ़िया वाले मास्क पहन लिए, और यहाँ पे देखो सब ने जो भी अपने फेस पे सूट होता है ना भाई सब कुछ बढ़िया बढ़िया वाले मास्क पहन लिए, माइकल ने ये वाला और ट्रेवर ने भी और फ्रैंकलिन ने भी। सो यार यहाँ पर ना बहुत सारे प्लेन है बट हमको चाहिए 3-सीटर 4-सीटर। यार जल्दी चलो यार फटाफट से जल्दी चलो भागो यार, क्या कर रहे हो? सो यार अभी ना एक काम करते, ये मेरे को लग रहा है ये वाला 4-सीटर है।
चलो यार इनसे थोड़ी बातचीत करते, अगर मान गए ना तो यार इनसे ले लेंगे, अगर नहीं करते तो फिर इनको दिखा देंगे इनकी औकात। ओए सुनो ओए, हमें ना प्लेन चाहिए थोड़ी देर के लिए, दोगे क्या? भाई क्या हो गया भाई, इसकी भैंस की यार, भाई बोल रहा है कि इधर चले जाओ, भाई तुम्हारे जैसे छपरी लोग की भाई इधर जगह नहीं है, भाई देख ले भाई मार मत खा मेरे हाथ की यार, देखो अगर मैं गन निकालूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार। फ्रैंकलिन ट्रेवर तुम मेरा मुंह देखने के लिए आए हो क्या? कुछ करो ना बे यार, कुछ तो करो, ये तीनों मिलके मार रहे हैं इसकी भैंस की, भाई इतना लेट आ रहा है ना भाई यार, क्या ही बोल यार, मारो सालों को ये टकले को, मैं भाई यार टकला मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार, ये पुलिस के कपड़े पहना है बट यार एक सेकंड भाई, इसका मेरा दिमाग खराब कर रहा है, ये ज्यादा ही हो गया भाई, रुक जा भाई, मेरा दिमाग खराब मत कर, अब ना भाई गन निकालनी पड़ेगी, अब दिखा भाई साला नोबड़ा गएगा भाई, जब होती नहीं ना बस की तो भाई फाइट मत किया करो यार, फालतू का भाई यहाँ पे दिखा रहे। सो यार यहाँ पे अरे ट्रेवर तेरा मास्क उतार दिया उसने यार, मास्क पहन ले फटाफट से, तेरा जो सूट करता है। सो गाइस फटाफट से हमको इस वाले प्लेन में बैठना पड़ेगा, और हमको क्या करना है पता है, इस वाले प्लेन में हम लोग क्यों बैठ रहे हैं, इसमें हमको बैठना है और गाइस आर्मी बेस पे डायरेक्ट जंप करना है, फिर हम लोग वहाँ पे जैसे जंप करेंगे चोरी छुपके जेट प्लेन चुरा लेंगे, मतलब हमको तीनों में से किसी दोनों को ही जंप करनी है यार, अभी हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब ना गाइस खतरनाक वाला सीन होने वाला है, पता नहीं यार गाइस ये वाला मिशन हमारा कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये हमारा प्लान का हिस्सा है, अगर हमारा प्लान ये वाला प्लान फेल हो गया ना सो उसकी इतनी बड़ी आर्मी को हम हरा नहीं पाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना भाई, इतने ज़्यादा टैंक्स वगैरह है ना भाई, समझ रहे हो भाई, हम कब तक मारेंगे उसको भाई, जब तक तो हम मिट जाएंगे। तो यार हमारा प्लान यही है, उसको जड़ से बिठाना है, मतलब उसको 100 से लेकर 0 तक लाना है, तो फटाफट से ना आपको मिलते हैं डायरेक्ट आर्मी वाले बेस पर, और ना उसको गाइस बताते हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट जंप करने वाले, तो कैसे जंप करेंगे पता चल गया। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, फाइनली बहुत ज़्यादा ये उड़ते उड़ते ना सामने नज़र आ रहा है आर्मी बेस, एंड भाई यहाँ पर हमने डिसाइड कर दिया है ट्रेवर और मैं जंप करने वाले हैं, और फ्रैंकलिन चला रहा है प्लेन, सो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे। अरे यार इधर थोड़ा साइड में ले फ्रैंकलिन, थोड़ा साइड में ले ले, क्योंकि हमको इधर डायरेक्ट जंप करनी है, पर बीच हो बीच भाई, कोई देख ना ले बस, पता नहीं वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम होता है, रडार में तो हम पकड़े जाएंगे, पता नहीं यार अगर रडार में पकड़े गए ना यार प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, मुझे किसी को मारना नहीं है। सो यार फाइनली हमने इधर कर लिए जंप कर लिया है, और गाइस फटाफट से ना हम लोग दोनों इधर उतर रहे हैं, ट्रेवर और मैं, और फ्रैंकलिन चला गया प्लेन के अंदर, और गाइस हमें इधर देखना है अब क्या सीन है, बस बराबर एंट्री हो जाए भाई, यहाँ पर मेरे को जेट दिख नहीं रहे भाई, भाई ऊपर से एक भी जेट नज़र नहीं आ रहा है कसम से यार, एक सेकंड भाई कहीं गलत जगह तो नहीं मार दी ना, एंड यहाँ पर गाइस अलार्म बज रहा है क्या भाई, पता नहीं यार यहाँ पर अलार्म कैसे बज गया भाई, यहाँ पर लग रहा है इनका जो डिफेंस सिस्टम है ना भाई उसने हमें डिटेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपको पता आर्मी बेस में क्या क्या रडार लगे हुए होते हैं भाई, वो छोटी सी चीज़ तक आती है ना उनके रडार में, भाई डिटेक्ट कर ली थी, अभी तो इतना बड़ा इंसान आ रहा है तो भाई यार ट्रेवर का आ गया इसकी फैंस की आकर, मैं ट्रेवर को ढूंढते बैठूँ क्या, अरे यार नीचे गिर गया भाई, बच गया भाई, अरे ट्रेवर इधर आ, अरे ट्रेवर ऊपर कहाँ जा रहा है यार, ये ना बिल्कुल यार गाइस यार भाई कुक ऐसे, अरे यार गाइस पकड़े गए, मुझे पता था वैसे, क्योंकि भाई अलार्म बज गया था एंड भाई उन्होंने डिटेक्ट कर लिया यार, ट्रेवर फटाफट से ना जल्द से जल्द हमको जेट ढूंढना है और इधर से निकलना है, क्योंकि ये काम हमें 1 घंटे के अंदर ही करना है, समझ रहे हो गाइस, मतलब हमको डायरेक्ट जेट पकड़ना है, डायरेक्ट उधर जाना है कहाँ पर, डायरेक्ट बेस पे, और डायरेक्ट उसको उड़ा देना है, समझ रहे हो, डायरेक्ट उड़ा देना है, मतलब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये हमको पकड़ लेंगे, अगर हम पकड़े गए तो यार भाई सब कुछ ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, मैं ख़त्म और सब कुछ। एक सेकंड मेरे को सामने यहाँ पर एक सेकंड, ये लोग कौन है भाई, इन्होंने कपड़े पहने हैं कि नहीं, ये क्या सीन है गाइस मुझे नहीं पता, बट चलो यार इन्होंने कपड़े पहने हैं पता नहीं, एक सेकंड चलो ये भाई इसकी फैंस क्या यार, ये आर्मी वाले ना गाइस, बट इनको मारना पड़ रहा है मेरे को गाइस, मेरा प्लान ये नहीं था, मुझे चोरी करनी थी, बट हम चोरी कैसे करें यार, ये आर्मी वालों को मेरे को मारने का मन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए काम करते हैं, क्या करें यार गाइस, सॉरी टू से बट यार ये, अरे भाई टैंक तो आ गया यार भाई, अब मेरे को निकालना पड़ेगा आरपीजी यार, सॉरी बट अब क्या करूँ गाइस, भाई ये तो भाई सबको फोड़ दे रहा है भाई, इनको लग रहा है कोई दूसरा देश से कोई अटैक ना हो गया भाई, टैंक तक लेके आ चुके हैं, तो यार अभी मेरे को आरपीजी निकालना पड़ेगा और खुद के देश के साथ गद्दारी करनी पड़ेगी, बट गाइस कोई बात नहीं भाई, आगे जाके तुम्हारा भाई
प्रेसिडेंट बनेगा तो इनके लिए अच्छे अच्छे चीज़ें मैं करने वाला हूँ, बट पता नहीं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद मेरा भी दोस्त है और वो मुझे अभी तक पार्टी में ज्वाइन ही नहीं करा रहा है। तो यार कोई इस पर बात नहीं, अरे फटाफट से एक जेट में बैठ जा, मैं तेरे को कवर दे रहा हूँ। ड्राइवर फटाफट से ना एक जेट में बैठ जा जल्दी से। इसकी भैंस की आ गाइस, यार ये टैंक भाई फूटते नहीं यार, ये खासियत है ना टैंक भाई, इतने मिसाइल छोड़ते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है इनको भाई, कसम से 10-12 मिसाइल मारने पड़ते हैं। और उसके पास तो हाईटेक वाले टैंक है गाइस, समझ रहे हो, किसके पास, मार्टिन के पास। तो हमें बड़ा वाला न्यूक्लियर ब्लास्ट करना है वहाँ पर, इसलिए हम लोग जेट प्लेन ले रहे हैं और उसके सारे के सारे बड़े वाले मिसाइल से ना उसको फोड़ दे, इसीलिए गाइस समझ रहे हो। इतने बड़े टैंक अगर उसने हम पे हमला कर दिया ना भाई, हमारा बर्बाद है, क्योंकि उसका भी दिमाग बहुत ज़्यादा ही है मार्टिन का, जिसको हम लोग मारने वाले हैं, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। यार ट्रेवर तेरे को बोला है फटाफट से तू अपना काम कर। यार ये ट्रेवर का क्या ही सीन यार, वो अभी भी ना वो फाइट ही कर रहे हैं, वो कह रहा है कि तू जा पहले। यार एक काम करते हैं, साथ में चलते ना भाई, उसको लग रहा है मैं इधर फंस जाऊँगा। यार देख कोई फंसने वाला है तो नहीं भाई, टेंशन मत ले, दोनों साथ में चलते, देख सामने दोनों खड़े बैठे हैं भाई, सामने देख रहे हो, एक सेकंड इसको पहले मार दूँ। सामने ना दो जेट क्लीन करे खड़े, तो फटाफट से तू काम कर, एक वाले में बैठ जा, लेफ्ट वाले में बैठ जा, राइट वाले में बैठ जा। यार ये कह रहा है कि तू पहले जा पहले जा। अरे यार तू पहले पहले कहते ना दोनों मर जाएंगे, तो एक काम कर दोनों साथ में चलते ना। यार गाइस यार ये ड्राइवर मेरी बात ही नहीं सुन रहा है कसम से यार, अभी ना सबको इधर मारना ही पड़ेगा। ये आर्मी वाले भाई, ये आर्मी अब इनको थोड़ी लगा, ये तो ख़त्म होंगे, मतलब आते रहेंगे भाई, कितनी बड़ी आर्मी है इनकी यार, पुलिस भी आ जाएगी इधर किसी भी समय। सो यार चलो फटाफट से, अभी ड्राइवर बहुत टाइम हो चुका है, हमारा मिशन भी फेल हो जाएगा वरना, समझ तू, जल्दी से चल मेरे साथ चल भाई, दोनों को साथ ही चलना पड़ेगा गाइस, समझ रहे हो यार, वैसे ना फिर काम नहीं होने वाला है। यार अभी भी यार ड्राइवर पीछे है, फटाफट से आजा। चलो यार गाइस भी ना मेरे को यार ये इतनी बड़ी, चलो कोई ना फटाफट से इसमें बैठ जाते भाई, इतना बड़ा जेट है ना, इतने बड़े बड़े मिसाइल लगे हुए इसमें, हम लोग डायरेक्ट ब्लास्ट कर देंगे समझ रहे, इतना बड़ा ब्लास्ट करेंगे ना वहाँ पर उसके बेस पे मार्टिन के। यार फटाक से बैठ, दोनों को साथ में निकलना है। चलो यार मैं इधर से निकल जाता हूँ। और गाइस ये देखो भाई, इसमें भी कौन है भाई, इसकी भैंस की, अच्छा ये गाड़ी से टक्कर दे दी इसने, और भाई इसको ठोक ही देता हूँ। एक सेकंड ये वाला भाई बहुत दिनों के बाद चला रहे ना, तो चलो यार कोई बात नहीं, इनको मारना हमारा गाइस प्लान नहीं है, हमको इधर से उड़ना है फटाक से और डायरेक्ट जाना है उसके बेस पे, और वहाँ पे इतना बड़ा। और ये देखो इनका ड्रोन सिस्टम भी काम कर रहा है, अरे भाई बच गया यार, इनका ड्रोन सिस्टम तक लगे हुए यहाँ पर, एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। और गाइस ये तो भाई गजब वाला सीन हो गया, फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा। और भाई जाते ट्रेवर यार, पता नहीं यार निकल पाएंगे कि नहीं, यार वहाँ पर एयर डिफेंस लगा हुआ है कसम से यार गाइस, आई होप कि ट्रेवर बच जाए। वैसे ट्रेवर को भाई पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, आपको पता है ड्राइवर कितना खतरनाक बंदा है भाई, वहाँ पर देख रहे हो गाइस हमको वार्निंग तक मिल गई कि यार। चलो यार कोई बात नहीं, फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा, और भाई जेट चलाने में कुछ और ही मज़ा है, इतनी स्पीड देख रहे हो 310 भाई। चलो यार फटाफट से ना हमको इधर से निकलना है, और मिलते हैं आपको डायरेक्ट, हमको थोड़ी सी गाइस पहले बातचीत करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर हमको बातचीत करते हैं और मिलते हैं आपको। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना हम लोग आ चुके थे गाइस जस्ट कुछ ही सेकंड में, अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी 10 मिनट हो चुके हैं टोटल, अभी ना हमको टोटल गाइस हमारे पास बहुत टाइम है, टोटल हमारे पास 50 मिनट और है किसी की, क्योंकि हमको वो ट्रैक करने से पहले उन पे अटैक करना है। तो मैंने बोल दिया है, देख फ्रैंकलिन तू बढ़िया वाला ड्राइवर है, तू जेट चला, क्योंकि मैं तो यार मुझे ना इतना गाइस आइडिया नहीं है, वैसे आइडिया तो है बट मुझे दूसरे भी कुछ काम करने हैं, मतलब वहाँ पे मुझे सब कुछ सिचुएशन हैंडल करनी है, क्योंकि मेरे पास सिक्योरिटी है। तो यार मैंने इसलिए बोल दिया तुम दोनों जाओ और तुम ही ब्लास्ट कर दो, मैं भी उधर आ रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब अपने को ग्राउंड संभालना है, ग्राउंड स्ट्राइक, और इन दोनों को संभालना है, एयर स्ट्राइक करना है इन दोनों को। तो ठीक है ड्राइवर तू चला जा, सॉरी ड्राइवर जल्दी चला जा, देख वो जा रहा है फ्रैंकलिन। तो गाइस हमारा यही मिशन है और कोई भी मिशन नहीं, मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे को सब कुछ नीचे का संभालना है, नीचे की जो चीज़ होती है ना ग्राउंड स्ट्राइक वगैरह भाई, वो संभालनी है और कुछ भी नहीं। सो यार फटाफट से जल्दी से निकल जा, वो तो चला गया ड्राइवर। चलो यार अभी ना हम लोग को गाइस और कुछ भी काम नहीं, अभी बस यार मेरा मिशन काम हो जाए, बस मिलिट्री वाले बीच में ना आए और भाई सबका फेस रिवील ना हो, बस मेरे को यही काम है गाइस, क्योंकि ना अभी मार्टिन का गेम जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला है और आपको भी मज़ा आने वाला है। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो जेट ओपी लिख दो, तो मुझे समझ आएगा आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे यहाँ पे ब्लैक फॉर्चुनर लेके फटाफट देना। चलो एनएसजी वाले तुम भी अभी तक यहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे, बट आज ना गाइस बहुत मज़ा आने वाला है,
क्योंकि आज हमारा दुश्मन का एंड होने वाला है। सो चलो हमारी फॉर्चुनर भगाते हैं और हमारा जो फ्रेंड है मार्टिन मतलब दुश्मन उसकी भाई बैंड बजाते हैं और आज उसका गेम ओवर है। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं मार्टिन के बेस पर और यहाँ पर ना हमारा जो गैंग का लीडर है वो इधर ही कहीं है, ऊपर ही कहीं छुपा हुआ है। मतलब ऊपर बैठ के हम लोग तमाशा देखने वाले हैं। अब होने वाला है गाइस बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट, मतलब इतना बड़ा वाला ब्लास्ट आपने कभी देखा नहीं होगा। तो यार चलो फटाफट से ना मुझे ऊपर जाना होगा क्योंकि ये जो ब्लास्ट है ना भाई इतना खतरनाक वाला ब्लास्ट होने वाला है ना, कसम से गाइस आप लोग देखते रह जाओगे। पूरा का पूरा टैंक हो हेलीकॉप्टर हो उसकी हर एक चीज़ तबाह नहीं हो जाएगी। तो गाइस चलो तो फटाफट से ना भी ऊपर चढ़ते हैं और ये देखो ये पहले से इंतज़ार कर रहा है एंड इसको पता चल गया है। सो गाइस ये देखो अब यहाँ पे होने वाला है ब्लास्ट, अब इधर से आने वाला है फ्रैंकलिन और ट्रेवर जेट से और यहाँ पे गिराएंगे मिसाइल्स और बहुत कुछ गिरने वाला है, न्यूक्लियर मिसाइल तक गिरने वाला है। गाइस सही सुना, न्यूक्लियर मिसाइल तक था जेट प्लेन में, पता नहीं यार गाइस कैसे बट वो एक ही हमारे पास बट एक पूरा तहस नहस कर सकता है। तो अभी आप लोग देखो अब ना भाई यहाँ पर पता नहीं गाइस कहाँ है वो, मैं ऊपर देख रहा हूँ अभी तक तो आए नहीं ये लोग, पता नहीं जब भी आएंगे भाई तहस नहस होने वाला है। बस कुछ ही सेकेंड्स आई थिंक मेरे को उन्होंने बोल दिया था हम लोग तो निकल चुके हैं। सो यार अभी ना गाइस अब लोग देख रहे हैं आई थिंक कुछ वो लोग हवा में गए होंगे, भाई जल्दी से करना है भाई वरना मिलिट्री वाले ट्रैक करके ना यहाँ पर। ऑल राइट गाइस ये देखो ट्रेवर और फ्रैंकलिन आ चुके हैं फाइनली जेट में और अब इधर गिरने वाला है मिसाइल्स, इतने ऊपर से मिसाइल गिरते हैं क्योंकि जेट है भाई, कार थोड़ी ना नीचे से जाएंगी। सो अब आप लोग देखो वो ऊपर से बॉम्ब गिराएंगे और यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, बस मुझे इंतज़ार है। आई थिंक बॉम्ब गिरा दिए, पता नहीं गाइस गिराएगी नहीं बट हमें वेट करना, इतने दूर से हम लोग खड़े तो आई थिंक पता नहीं है। देखो मिसाइल गिर रही थी कि देखो आप लोग देखो और यहाँ पे गाइस ब्लास्ट हो चुका है भाई, छोटा ब्लास्ट है यार ये एक सेकंड। ओ भाई इतने सारे रॉकेट्स भाई साहब। ऑल राइट ये क्या हो रहा है, इधर आग क्यों निकल रही है गाइस, पता नहीं गाइस क्या सीन है। ये देखो भाई साहब मिसाइल्स आ रहे भाई साहब खतरनाक वाले, भाई पूरा रियल है गाइस, मतलब क्या ही सीन है गाइस भाई साहब, मज़ा आ चुका है। इनके बहुत सारे सोल्जर्स भी थे वो भी आई थिंक मर चुके होंगे भाई, इतना बड़ा ब्लास्ट पता नहीं दूर से गाइस थोड़ा नज़र आ रहा है कम, ठीक है ना वरना नज़दीक से होते ना भाई इतना गंदा लगता है, बट मैं बहुत दूर खड़ा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अभी और भी वो अटैक करने वाले बहुत बड़े बड़े अटैक होने वाले हैं गाइस। ये तो अभी जस्ट ट्रेलर था, अब आगे जाके आपको भाई ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है और अभी हमको देखना है गाइस और भी बहुत सारे ब्लास्ट होने वाले हैं। अभी भी वो हवा के अंदर ही है, बस नीचे ड्रॉप कर दो यार फटाक से ना भाई, गंदे वाले बॉम्ब नीचे गिरा दो और इनको इनकी औकात। ये देखो गाइस इसको कहते हैं बॉम्ब, देखो भाई कैसे टपक रहे, देख रहे हो ना आप लोग भाई इतना बड़ा उनका जो प्लेन था भाई पूरा का पूरा ब्लास्ट हो चुका है, वहाँ पे कुछ लोग मरे हुए भी है। सो यार एक काम करते हैं, अभी आई थिंक सब मर चुके होंगे, अब नीचे जाते हैं और नज़दीक से देखते हैं ब्लास्ट क्योंकि दूर से ना मज़ा नहीं आ रहा है गाइस, बट अपने को फ्रैंकलिन और ड्राइवर कह रहा है कि थोड़ा दूर से रहना, नज़दीक रहोगे तो भाई तुम्हारे ऊपर भी गिर सकता है। और वो कह रहा है कि अभी ना न्यूक्लियर भी गिराना है, भाई न्यूक्लियर एक ही है भाई, अभी मत गिराना न्यूक्लियर, अगर अभी न्यूक्लियर गिर गया ना गाइस भाई मैं क्या भाई कोई बच ही नहीं पाएगा भाई, पूरा ये आधा का आधा शहर तबाह हो जाएगा गाइस। बस हमें ये काम जल्द से जल्द करना है क्योंकि अभी ना हमें मिलिट्री वाले हमारे पीछे पड़े होंगे, वो ट्रैक कर रहे होंगे जो दो जेट चोरी हो गए, तो गाइस कभी भी हम लोग पकड़े जा सकते हैं। तो अभी फटाफट से ना जल्द से जल्द हमें इनका पूरा का पूरा बेस उड़ाना है, जल्दी से चलो और नज़दीक से देखते हैं थोड़ा सा गाइस आतिशबाजी देखते हैं। और गाइस क्या ही मज़ा आता है, मतलब जब एयर डिफेंस होता है ना जैसे रियल होता है गाइस, आपने देखा होगा अभी तो फाइट चल रही है, किसकी फाइट चल रही है बीच में मेरे को बताना, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा पता नहीं गाइस, मेरे को तो पता है बट आपने देखा है कि नहीं भाई, वही वाली फीलिंग आ रही है। सो यार चलो नज़दीक से अभी इधर होने वाला है गाइस और एक एयर स्ट्राइक और गाइस यहाँ पर गाइस अभी भी यार कुछ हुआ नहीं यार, इधर बॉम्ब नहीं गिरा है क्या गाइस, अभी ना यहाँ पर बॉम्ब नहीं गिरा है, बस वो वाले एरिया में बॉम्ब गिरा है यार, फ्रैंकलिन इधर भी गिरा दे अगर मेरी बात सुन रहा है तो गाइस, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब ही नहीं गिरा है। और ये देखो ये आ गए फ्रैंकलिन और ट्रेवर गाइस, अब इधर बॉम्ब गिरने वाला है भाई, आराम से गिराना भाई बराबर निशाने पे लगाना, और गाइस वहाँ पे वैसे भी सब कंप्यूटर में सब होता है गाइस, बस बटन दबाओ निशाना लगाओ और बटन दबा दो और गाइस काम खत्म है। और यहाँ पे गाइस मिसाइल गिरने वाले आई थिंक मेरे को
नजर तो आ रहा है मैप के अंदर भाई, देख रहे जाते हुए दो रॉकेट नजर आ रहे हैं और यहाँ पे बॉम्ब गिरते हुए नजर देखो आप लोग बस ये देखो। नहीं 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 सॉरी, मुझे लगा बॉम्ब गिरा बट वो चूड़िया थी। और ये है गाइस मिसाइल गिर रहे हैं, ये देखो ऐसे होता है नज़दीक से शॉट, पूरी ज़मीन हिल जाती है, इसको कहते हैं शॉट भाई डिस्ट्रॉयड। एक सेकंड, ये लोग जिंदा है क्या भाई, मरे नहीं, उसकी फैंस की आँख, कोई बात नहीं अभी तो और भी ब्लास्ट होने वाले, इससे बड़े बड़े वाले ब्लास्ट होने वाले। सो यार चलो फटाफट से कभी गेम ओवर करते हैं। और एक सेकंड, ये लोग मरे कैसे नहीं यार, इसकी फैंस की आँख फूल गई, कवर गेवर ये मतलब ये कपड़े पहन के आर्मर वाले भाई, हर चीज़ तेज तेज चूरा करनी है अभी, मतलब चूरा समझते हो ना गाइस, अभी भी ये दिख रहा है आपको, ये तो छोटे छोटे हम लोग कर रहे हैं अटैक, हर चीज़ तबाह कर रहा है भाई, इतने सारे लोग मरे यहाँ पे देख रहे हो, वरना हम लोग आते ना भाई बहुत बड़ी फाइट होती, बट हमें गाइस फाइट तो करनी नहीं है, हमें बस इनका जो डिस्ट्रॉय करना है, वरना ये सब कुछ इसमें बैठ के हम पे हमला भी कर दिए ना, हम लोग जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। और ये देखो गाइस फ्रैंकलिन और ट्रेवर फिर से आ चुके हैं और यहाँ पे होने वाला है ब्लास्ट, खतरनाक वाला गंदा वाला ब्लास्ट देखने को मिलेगा। सो चलो यार इधर बॉम्ब गिर सकता है गाइस, भाई मेरे को बच के रहना पड़ेगा वरना मेरे पे डाल दिया ना भाई चूरा ना हो जाओ, भाई गिराओ यार अभी वेट नहीं हो रहा है, बस मुझे इंतज़ार करना है। और यहाँ पे आग भी लग चुकी है यार भाई, जल्दी से करना वरना मिलिट्री वाले ना GPS ट्रैक ना कर ले। और इधर अरे इसकी आप ये देखो गाइस पूरी ज़मीन हिलती है, एंड गाइस अभी भी गाइस कुछ तेज भाई गलत मिसाइल डाल रहे हो यार, गलत जगह मत डालो, देखो कहाँ मिसाइल छोड़ दिया इन लोगों ने भाई, इधर नहीं डालना यार गाइस, अभी क्या ही बोलूँ भाई, तुम लोग सही हो ना, टॉमिक आ गया भाई, इसकी भैंस की टॉमिक आ गया भाई पीछे खड़ा, भाई मुझे लगा मर तो नहीं गया ना भाई चूरा होके। यार चलो यार ये गलत जगह मिसाइल डाल रहा है फ्रैंकलिन, क्या कर रहा है सही जगह डालना। चलो यार अभी फिर से आ चुके हैं ये लोग, और अभी पता नहीं है सही टाइम पे डालो यार इनको ना भाई, चलो यार कंट्रोल करना नहीं आ रहा है क्या, चलो वरना मैं होता ना गाइस मैं बस सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ नीचे की, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, वरना भाई आपको मज़ा नहीं आता, अगर मैं बैठता ना बस आपको चलते हुए देखता, बॉम्ब ड्रॉप करते हुए देखता, ऐसा मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैंने इनको बोला है कि यार तुम लोग चलाओ, एंड यहाँ पे मिसाइल गिरने का हम लोग मज़ा लेते हैं। सो चलो यार अभी मिसाइल गिरने वाला है, एंड भाई यहाँ पे खतरनाक वाली एंट्री करेंगे हम लोग, भाई गिरा दे यार मिसाइल, ये देखो गाइस और डिस्ट्रॉयड हो चुका है हर चीज़ डिस्ट्रॉय, ओ भाई यार बट अभी मज़ा नहीं आ रहा है गाइस, अभी न्यूक्लियर का मेरे को मज़ा लेना है भाई, न्यूक्लियर मिसाइल जब गिरेगा ना भाई तभी मज़ा आएगा, अभी इतने सारे गाड़ी है ना इसके भाई, हर चीज़ तबाह करनी है, अभी तो वेट करो गाइस, अभी तो बस वेट करो, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब बाकी है भाई, पता नहीं न्यूक्लियर से क्या होगा, देखो ऊपर से आ गए ये लोग भाई, फिर से आ गए भाई, इस पे डालो यार मैं जहाँ फायर कर रहा हूँ ना, ये तो पहले फूट गई, चलो इधर डाल दो जहाँ फायरिंग कर रहा हूँ, मैप में दिख गए मेरे को दोनों जाते हुए, बस बॉम्ब ड्रॉप कर दो, एंड एक सेकंड भाई कहाँ ड्रॉप कर रहा है यार, किधर कर रहा है, बॉम्ब ड्रॉप हुआ है कि नहीं, ये देखो भाई मिसाइल इसकी तेज की आग भाई, क्या कर रहा है फ्रैंकलिन भाई, इतने आसपास फेंक रहा है ना भाई, मैं गलत जगह खड़ा हूँ, वैसे कोई बात नहीं यार मैं ही खड़ा हूँ, इधर बीच में आ रहा हूँ, मेरी गलती है, उनकी भी क्या गलती है भाई, वो तो मिसाइल ड्रॉप कर रहे हैं, बट गाइस इसको ना ये टैंक को तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, मैंने बोला था ना आप लोग को ये भाई प्रूफ वाले भाई रॉकेट RPG प्रूफ है यार, ये देखिए 3 4 ये 5 भाई कितने मारूँ अभी भी नहीं फूट रहा है गाइस, चलो 5 पे तो फूट गया वो, 1 2 3 4 5 भाई 6 भाई 6 पे जाके फूट रहा है गाइस, 6 5 यार कसम से, ये देखो इनके पास भी जेट प्लेन आ रहे भाई साहब, गाइस कसम से एक ही था इनके पास, पता नहीं कहाँ से लाया सालों ने। और गाइस अभी इधर ना और बड़ा वाला ब्लास्ट करेंगे अभी ये ना भाई, ये तो भाई छोटे मोटे मिसाइल से फूटने वाला नहीं, सो एक काम करते हैं ये ना न्यूक्लियर से ब्लास्ट करेंगे इन लोग को। तो गाइस अभी ना हमारे पास एक ही चारा है, इनके पास जेट में एक न्यूक्लियर वेपन रखे हुआ है, फ्रैंकलिन कह रहा है कि छोड़ दूँ क्या, अरे भाई पागल हो गया है क्या भाई, इधर छोड़ेगा ना भाई, भाई बचना मुश्किल है ना उनके लिए भाई, तो पहले हमको ना इधर से निकलना पड़ेगा ठीक है ना, अगर न्यूक्लियर मिसाइल इधर चल गया ना आपको पता है न्यूक्लियर की क्या होती है गाइस वैल्यू, तो चलो फटाफट से ऊपर निकल, आप ऊपर मिलते हैं आपको डायरेक्ट, वरना बहुत टाइम लग जाएगा चलते चलते। ऑल राइट गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे होने वाला है न्यूक्लियर ब्लास्ट। सो गाइस अब देखो आप यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन क्या छोड़ने वाले भाई, हम भी इतने दूर, और उसकी भैंस की आप ये देखो भाई, ये सब नीचे गिर चुके हैं और ये क्या हो रहा है गाइस भाई, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है मुझे, और पूरे गाड़ी गिड़ी सब हवा में गाइस, देखो
भाई ये क्या हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को इस कसम से। पूरी स्क्रीन ये हो चुकी लाल एंड पूरे गाड़ी हवा में। देखो यार गाइस अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखो टैंक, भाई ये लोग को क्या हो गया? भाई तुम लोग जिंदा हो ना? भाई ये लोग बेहोश हो चुके हैं। इनको फटाक से ना मैं एक थोड़ा छोटा मोटा करण देता हूँ। मैं ये देखो पूरे के पूरे टैंक वगैरह देखो गाइस, ये क्या सीन था। आप लोग देखो भाई मेरे खुद कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल चक्कर आ रहे थे। तो इनको मैं इस तरह भाई करण मारता हूँ। उठो सालो, फैस किया, उठो उठो भाई करण देखे ना, सालों को उठाता हूँ भाई। भाई इन लोग को चक्कर आ चुके थे भाई, उठ चुके हैं ये लोग। भाई मेरे को कुछ नहीं हुआ भाई, देख रहे हो कितना पावरफुल है भाई माइकल। गाइस मज़ा आया कि नहीं? आप लोग चैट पे लिख देना, सब लोग चैट पे न्यूक्लियर ओपी लिखना, मेरे को समझ आएगा आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। सो गाइस ये देखो हर चीज़ तबाह हो चुकी है, मैंने बोला था आप लोग को भाई हर चीज़ तबाह हो जाएंगी इस चीज़ से। भाई अब फटाफट से ना ट्रेवर और फ्रैंकलिन ने आई थिंक जेट प्लेन को छोड़ दिया है अभी ना, क्योंकि अगर GPS वगैरह उस पर लगे हुए होते हमको मिलिट्री वाले पकड़ ना ले, तो उससे पहले हमको इधर से निकलना पड़ेगा। ये देखो हर चीज़, और ये देखो भाई अभी भी कुछ, भाई बस कर दो यार, बस कर दो, हो गया ना, अभी भी मिसाइल छोड़े जा रहे यार, बस कर दो वरना मिलिट्री वाले आ गए ना। भाई छोड़ने वाले नहीं है भाई, बस कर दो यार। अभी कुछ आई थिंक कुछ बचा है क्या कुछ? अरे इतना तो कुछ भी नहीं, अब सब तबाह हो चुका है भाई, हर चीज़ तबाह हो चुकी है गाइस, ख़त्म हो चुकी है। अब बस गाइस कुछ नहीं, अब इधर से निकलना है और फटाफट से ना, अब गाइस कुछ भी नहीं बचा। अब बस उसके जो माइन है ना, माइन पे अटैक करनी है। एक सेकंड, कुछ आग वाग लगी है क्या यहाँ पे? अभी भी कुछ ना फटने की आवाज़ आ ही रही है अभी भी, पता नहीं गाइस क्या सीन है। तो चलो यार अभी ना गाइस हमको अभी अगला काम है हमारा, उसका बिजनेस। एक सेकंड, यहाँ पे आग लग चुकी है भाई साहब, यहाँ पे गाइस लग रहा है उसके टैंक वगैरह में से कुछ आग वाग लगी है भाई। अभी मामला और गर्म हो जाए, पुलिस वाले इधर आते होंगे क्योंकि उन्हें पता तो चल गया होगा इधर ब्लास्ट हुआ है, तो हमें इधर से निकलना पड़ेगा। और अभी ना हमारा अगला मिशन है गाइस, जो माइन है उसका जो बिजनेस है, इतना इसका पैसा आता कहाँ से, मतलब इतनी सारी चीज़ें इसने खरीदी है, तो वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब समझ रही, उसका जो सोर्स ऑफ मनी है वो ख़त्म कर दिया। और उसका अभी तो हमने सारा बेस ख़त्म कर दिया, अब वो ज़िंदगी में मतलब अटैक तो छोड़ो, इतने सारे पैसे अब वो लाएगा खरीदने से पहले हमको उसका बिजनेस ख़त्म करना है, फिर ना वो बिल्कुल वो बंदा ज़मीन पे आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, तो सादा इंसान बन जाएगा, फिर हम उसकी जान ले लें। सो यार चलो फटाफट से निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, चलो यार फटाफट से ना यार, बहुत टाइम हो चुका है इधर, और गाइस अपने जो अगला मिशन है उसकी ओर बढ़ते हैं, और गाइस गेम ओवर करते हैं मार्टिन का। एंड गाइस एक सेकंड, यहाँ पर ना कुछ आवाज़ आ रही है कि मुझे पता नहीं यार, आवाज़ आ रही थी कुछ, एक सेकंड, वही तो बोलो यार यहाँ पे ना इतनी सारी आवाज़ कैसे आ रही है। भाई साहब बंदे आ चुके, ये कौन है भाई? इनकी पैस क्या, ये बच कैसे गए, ये बच कैसे गए मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा न्यूक्लियर मिसाइल गिरा है, लग रहा है गाइस ये लोग पता नहीं यार कहाँ से आ गए ये लोग। भाई फटाफट से गन निकालो, रेड निकल भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, खड़े किए हो भाई, तो लग रहा है ना भाई ये बंदे खुद कहाँ से आ गए पता नहीं। भाई गाड़ी कहाँ से आ गई, अभी तो गाड़ी ब्लास्ट की थी यार, ये देखो भाई क्या गाड़ी चला रहा है छपरी के का। चलो कोई ना गाइस, कोई ना अगर हम लोग लग रहा है थोड़े ही है, कोई ना ये देख रहे हो भागते आ रहे हैं भाई, इनके पास गाड़ी नहीं है, सालों के बाद अपना इनकी गाड़ी उड़ा दी है भाई, अब पैदल घूमना पड़ रहा है। चल भाई कोई बात नहीं, लग रहा है ना यहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स एक जगह पे नहीं थे, लग रहा है अलग अलग जगह पे थे। चलो कोई बात नहीं गाइस, सब लोग वेस्ट पे थोड़ी ना होंगे। सो गाइस कोई बात नहीं, फटाफट से ना मैं एक काम करता हूँ, मेरे मॉन्स्टर से जरूर कॉल करता हूँ, फिर ना अभी फिर आएंगे मजा गाइस, तो फटाफट से। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया मॉन्स्टर सिक्योरिटी को, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे यार आप NSG को बहुत यूज़ करते हो, आपकी मॉन्स्टर सिक्योरिटी का जलवा दिखाओ। सो यार मॉन्स्टर सिक्योरिटी का जलवा दिखा दिया, तो यार चलो फटाफट से गाइस यहाँ पे ना, और गाइस गेम होने वाला। ये देखो भाई गाड़ी कहाँ से लेके आई है, इसकी भैंस की यार गाइस, पता नहीं यार ये गाड़ी लेके कहाँ से आ गया, और यहाँ पे कोई RPG छोड़ रहा है भाई, मेरे को दिख नहीं रहा यार। एक सेकंड ये देख रहे हो भाई गाड़ी कहाँ से आ रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यार गाइस, ये भैंस की आगे मिसाइल कौन मार रहा है भाई, बच रहा हूँ बार बार यार कसम से, वरना खिचड़े उड़ जाते हैं यार, मार कौन रहा है मेरे को नज़र नहीं आ रहा, ये RPG कहाँ से आ रहा है भाई, ये ब्लैक कमांडो उसकी क्या है भाई, भाई ये हेलीकॉप्टर वाला। एक सेकंड ये ऊपर है क्या, इसकी भैंस क्या ऊपर कैसे चढ़ गया भाई, रुक तेरे को औकात दिखा दो, ये ले भाई ऊपर चढ़ गया और यहाँ हेलीकॉप्टर आ गया भाई। एंड ये देखो, अरे ये तो भाई एंगल चेंज कर रहा है, चल भाई मैं भी एंगल चेंज करता हूँ और मैं इनकी औकात दिखा देते हैं, और ये देखो गाइस गेम ओवर है।
भाई गेम ओवर हो चुका है इनका भी। ऑल राइट, और कोई है क्या? और कोई भी नहीं है। चलो भाई सबका ना गेम ओवर हो चुका है। और एक सेकंड, इनका भी और कोई है क्या? भाई बहुत सारे आ गए यार, अभी मॉन्स्टर सिक्योरिटी कब आएंगे पता नहीं। भाई बहुत सारे आ चुके हैं, मॉन्स्टर सिक्योरिटी का वेट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मॉन्स्टर सिक्योरिटी भी आ चुकी, पता नहीं यार कब आई थी यार, मैंने नोटिस नहीं किया था, सॉरी। एंड भाई मॉन्स्टर सिक्योरिटी भी आ चुकी है। एंड भाई पता नहीं भाई लग रहा है ना एक जगह पे पीछे से आए लोग। और चलो भाई ये तो मर ही नहीं रहे यार, ये देखो भाई भाई कौन कौन से कार लेके आ गए, भंगार वाले देख रहे हो, इनके बढ़िया बढ़िया कार सुला दिए ना भाई, देख रहे हो भाई छक्की वगैरह की भाई। ऑल राइट कोई बात नहीं, यहाँ पर गाइस सबको ना मार देंगे। चल भाई तू क्यों आ रहा है बीच में भाई, ये मर नहीं रहे गाइस, बहुत पावरफुल ब्लैक कमांडोस है गाइस। मेरे को लग रहा है ये वाले जो ब्लैक कमांडोस है ना भाई बहुत खतरनाक है, मेरे को भी खरीदनी चाहिए भाई कमांडो वाली। आप लोग क्या बोलते हो गाइस? भाई ये कमांडो जो कमांडो है ना भाई, ब्लैक कमांडोस भाई बहुत खतरनाक है। पता नहीं ब्लैक कमांडो है कौन से गाइस, बट इनके कपड़े भाई पता नहीं क्या गाइस, पता नहीं जो भी है भाई बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखो भाई ड्रैको ए के वेपन तक लेके आ चुके गाइस, ये ड्रैको ए के वेपन मैंने कहीं देखा है एंड पता नहीं गाइस कहीं तो मैंने नाम सुना ड्रैको AK-47। यार चलो फटाफट से ना भाई, ये देखो भाई, ये देखो हेलीकॉप्टर के अंदर से फायरिंग कर रहा है, इसकी भैंस जैक RPG निकालता है एक से भाई। अब गन बार बार चेंज करनी पड़ रही, इतने सारे बंदे अब क्या ही करें भाई। कार छुप रहा है, रुक 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 रुक, एक सेकंड यहाँ पे एंगल ना गलत लगा दिया। चलो बराबर लग चुका है भाई, मैंने इधर लगाया था, मुझे पता था वो पलटने वाला है। और ये देखो भाई इसको भी बोलता हूँ RPG से, यार RPG वेस्ट ना हो जाए, मेरे पास सिर्फ 10 ही RPG बचे अब। चलो कोई ना, इसको भी पहल देता हूँ। एंड एक सेकंड भाई, ये बंदा छो भी ना, ये मरता नहीं है भाई फुल। अरे भाई आराम से भाई सबको मार दिया क्या भाई? आराम से भाई सबको भाई वो कर दिया था भाई, चिपका दिया था। मतलब ये जो भी है ना, ये जब मरता ही नहीं है, देखो भाई पता नहीं क्या ये, पिछली बारी भी आया था मुझको मारने के लिए भाई, फुल सूट वगैरह पहन के आता है वो। एक सेकंड, ये ले भाई तू भी ले ले भाई, उसको मारा ही नहीं अभी तक। देखो भाई मैं बोल रहा था ना भाई, ये जो भी बंदा है ना ब्लैक सूट में आता है भाई, अभी भी नहीं मारा है गाइस। चलो इसको नजदीक जाके मारती है। देखो मैंने आपको बोला था ये कितना पावरफुल बंदा है भाई, ये मरता ही नहीं है इतने जल्दी। देखो देखो सब मिलकर मार रहे हैं उसको। ये देखो भाई, देखो देखो फुल, ये देखो अब जाके इसका आर्मर टूटा है एंड सब लोग मिलके मार रहे हैं, फिर जाके ना आर्मर इसका टूटा है। और ये देखो आ ही रहे कार के अंदर भाई, कहाँ कहाँ से आ रहे मुझे समझ तक नहीं आ रहा है, तुम लोग मार रहे हो कि नहीं भाई? भाई अरे भाई यार दोनों को उड़ा दिया भाई, टॉमी और गैंग लीडर को दोनों को उड़ा दिया भाई, F5B वाले ने, सॉरी फायर ब्रिगेड वालों ने भाई F5B बोल दिया भाई। चलो सबको उड़ाना पड़ेगा भाई, मेरी ब्लैक फोर्स से कुछ मत कर देना। ये देखो आसमान से आ रहे हैं क्या ये लोग भाई? वही बोलू आकाश से रहिए भाई, भाई आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से भाई। कोई ना कोई ना, ये देखो ये तो मरे भाई है, सॉरी। और भाई हमारी मॉन्स्टर सिक्योरिटी सबको तो मार ही रही है। और गाइस यहाँ पे चलो यार गाइस फटाफट से ना, एंड चलो भाई आराम से टकले भाई, आराम से वरना टकले भी बोलने लग जाए भाई, टकले भी बोल लगेगी ना भाई ताता ही हो जाएगा। चलो गाइस यहाँ पे ना, और भाई बढ़िया वाली गन निकालता है, एक सेकंड बढ़िया वाली गन ये भी नहीं है। चलो भाई और कौन सी बढ़िया वाली गन, एक सेकंड ये वाली बहुत दिन चलाई नहीं भाई, बजर चलती है। चलो और कितने लोग बचे हैं पता नहीं यार, कैसे हमारी मॉन्स्टर सिक्योरिटी आ चुकी सही टाइम में, वरना भाई बच नहीं पाते यार। देखो इनके हमने सारे लोग को मार दिया बस, ठीक है ना, इनके सारे टैंक वगैरह तो हमने फोड़ दिया, अभी एक भी टैंक मेरे को नज़र नहीं आया, इसका मतलब हमारा जो मिशन है ना वो सक्सेसफुल हो चुका है। और इनके हेलीकॉप्टर भी हमने सारे तबाह कर दिए। सो गाइस अब मेरे को नहीं लगता है कि अब ना ये बंदा फिर से हमारे पे ऐसा अटैक कर पाएगा, क्योंकि इसके हमने सारा बेस टैंक वगैरह हेलीकॉप्टर जितने भी पावरफुल टैंक थे सब कुछ फोड़ दिए, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब बस हम लोग इसका बिजनेस दबा करने वाले, इसका जो सीक्रेट बेस में एक माइन है पता नहीं है सोने की माइन है, वो अब हमको डिस्ट्रॉय करनी है। बट इससे पहले हमको इनको मारना पड़ेगा, ये छपरियों को। भाई क्या चल रहा है आज, इतने फाइट हो रहे हैं ना भाई साहब, भाई पूरा खून वगैरह है भाई, मारो सबको भाई इनके पास भाई, मॉन्स्टर सिक्योरिटी अपना जलवा दिखा दूँ भाई सबकी बैंड भाई। ये देखो भाई अभी भी हविदास भाई हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है, एक सेकंड RPG निकालना पड़ेगा एंड एंगल। ये देखो भाई ये कौन सा लेके आ गया तू भाई इतना बड़ा, भाई साहब मुझे एंगल गलत लगाना पड़ेगा, फिर जाके लगेगा क्योंकि ऐसे वो पलट जाता है। सो यार बहुत सही, बिल्कुल ही सही तरीके से ना भाई सही काम किया है। और चलो और भी कोई है, ये देखो सामने खड़े भाई, और यहाँ पे भाई साहब के पास EVO बनेगा इस M10 EVO है इसके पास, M10 EVO भी कैसे मैंने कहीं नाम सुना है पता नहीं गाइस, मेरे को याद है वैसे, मेरे पास भी है सब है मेरे पास, सारे EVO बन सकते, कौन सा गेम का नाम है मेरे को चैट पे बताना। सो यार चलो फटाफट से गाइस यूज़ करा, और गाइस खजा भाई तू भी ले ले, और कौन है भाई और तेरी भैंस की आँख भाई सपरी के का
भाई कितने लोग हैं, सब खत्म है क्या? देखो यार फटाफट से सबको मार दो, इनका बेस तो हमने सारा उड़ा दिया है। ये देखो हेलीकॉप्टर में से ऊपर बंदे छोड़ रहा है भाई, भाई हेलीकॉप्टर में से छोड़ रहे पड़ रहे भाई। इनकी क्या दिन आ चुके हैं, मतलब गाड़ियाँ वगैरह टैंक वगैरह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया हम लोग ने। भाई ये देखो ब्लैक कमांडो, भाई साहब क्या पावरफुल कपड़े इनके भाई साहब। बट माइकल के सामने कौन सी भी सिक्योरिटी हो तो भाई ब्लैक हो दो या वाइट हो तो भाई सबको कर देते ब्लैक एंड वाइट। एंड गाइस ये देखो भाई ये मिद्दाम इस बंदे छोड़े जा रहा है, तेरी भैंस की आज चल बेटा तू भी ले। और एक सेकंड मेरे को लेफ्ट में छोड़ना पड़ेगा मिसाइल एंड बराबर जाके लग जाता होगा। सो यार सही काम किया। और यार कोई बचाए क्या? और अभी तक आप मेरे वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको फाइट पसंद आ रही तो लाइक कर दो। और यार 1.5 के लाइक से कभी कंप्लीट ही नहीं हो रहे भाई साहब, क्या कर रहे हो यार? प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया फाइट देखने को मिलने वाला है आगे जाके, आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। सो यार चलो वीडियो में बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ पे ना फाइनली गाइस सबको मार दो ब्लैक कमांडोज। ये देखो भाई ब्लैक कमांडोज भी है, और कौन है भाई? चल बेटा तू भी ले ले, तू भी ले भाई, चल भाई तू भी ले, चल बेटा तू भी ले ले गाइस। गजब है भाई, पूरा खून खून हो चुका है भाई माइकल के हाथ। और ये देखो मैंने आपको बोला था ये कितना पावरफुल है यार, कैसे देखो भाई मर ही नहीं रहा भाई, भाई मर ही नहीं रहा गाइस ये कसम से भाई साहब। इसकी भैंस की आग, अरे पीछे देख, अरे यार इसको मार दिया यार, मॉन्स्टर सिक्योरिटी को बोला था यार। अरे टॉमी क्या कर रहा है पीछे देखना भाई, टॉमी को पता ही नहीं यार ये अपना बंदा है किसका है भाई, अभी भी नहीं मार रहा, सब मिल के मार रहे भाई साहब। गाइस क्या था ये बंदा, जो भी है भाई ये कौन सी सिक्योरिटी है भाई, इतना 4-5 बंदे मारने के बाद भी नहीं मर रहा है। और ये देखो ये तो एक गोली मर जाएगा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। गाइस यार ये तो बहुत खतरनाक गैंग है, अब इसका ना सब कुछ ख़त्म है भाई, पता नहीं किससे इसने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है भाई साहब। ये मार्टिन का बच्चा अब ना गाइस इसके सारे के सारा बिजनेस उड़ाना पड़ेगा, अब इसकी सिक्योरिटी एंड इसका वैसे तो हमने सारा बेस डिस्ट्रॉय कर दिया, अब इसकी सिक्योरिटी ख़त्म कर देंगे, सिक्योरिटी इसकी ना आते रहेंगी गाइस। उससे पहले हमें उसका बिजनेस ख़त्म करना पड़ेगा, सोर्स ऑफ मनी मतलब पैसा ख़त्म होगा सब कुछ ख़त्म, तो फिर इसके पास सिक्योरिटी खरीदने तक पैसे नहीं होंगे। तो अब हमारा अधूरा मिशन बाकी है फिर ना गाइस, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्टिन फिर गाइस डगन बॉस का एंड करने के जल्द से जल्द, क्योंकि इतने पावरफुल लोग हैं ना गाइस आपको पता है गाइस। कोई बात नहीं अभी एक और बचा है, ये हेलीकॉप्टर भाई तेरी भैंस की आग, भाई समझ क्या रखा है हेलीकॉप्टर ला रहा है भाई, पैसा है तुम्हारे पास तो भाई कुछ भी करोगे क्या? चलो यार अभी फटाफट से हमारी सारा का सारा काम मोस्टर सिक्योरिटी संभाल लेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग और फाइट करें। तो चलो फटाफट से बैठ जाओ यार, टॉमी वगैरह तुम बैठ जाओ भाई, गैंग लीडर तू भी बैठ जा। और गाइस यहाँ पे ना भाई चलो यार फटाफट से हमको आगे काम भी करना है, और गाइस बहुत कुछ काम करना है अभी ना, हमको फटाफट से बेस पे जाना है, और मतलब सॉरी बेस पे नहीं माइन जो है ना बनकर सीक्रेट बनकर माइन बोल सकते हो, वो अभी डिस्ट्रॉय करनी है और आज की आज ही करनी है क्योंकि हमारे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मॉन्स्टर सिक्योरिटी सब कुछ संभाल लेना भाई और निकल जाना अपने मेंशन पे, जहाँ जहाँ आपको मैंने रखा है गाइस। ठीक है अभी आज गाइस बहुत ख़तरनाक वाली फाइट होने वाली है, और देखो गाइस अब ना गाइस फुल धमाकेदार, और आज ही गेम ओवर करना है मार्टिन का। अगर मार्टिन का आज गेम ओवर नहीं होता है तो कल हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर वीडियो एक घंटे की बन जाती है तो फिर गाइस अगर एक घंटे के अंदर वो मर जाता है ना मार्टिन तो मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, अगर नहीं मरता है तो फिर अगले वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि यार आप लोग ज़्यादा मेरी वीडियो वॉच ही नहीं करते हो यार, आधी वीडियो देखते हो यार बस गाइस। तो यार इसलिए मैं ना गाइस बढ़िया बढ़िया शॉट्स फिर मतलब कम ही डाल रहा हूँ, तो यार आप पूरी वीडियो वॉच करा करो। सो यार चलो फटाफट से ना चलते हैं। ऑल राइट गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर फाइनली, हमारे गाइस जो मिशन है ना, जो मिशन है भाई हमारा गाइस इसका सीक्रेट माइन को तबाह करना और यहाँ के सारे लोग को मारना और इस पर कब्जा करना, ये हमारा प्लान है गाइस। सो गाइस विदाउट कोई टाइम पास किए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर टॉमी कह रहा है कि यहाँ पर ही क्या होना चाहिए। यार देख भाई हम दो अकेले हैं ठीक है, हमको ना भाई देख के काम करना पड़ेगा, और गाइस ये काम सिर्फ हम दोनों को ही करना है, चूँकि ये गाइस ज़्यादा रिस्की होगा अगर हम लोग सबको लेके आएंगे ना भाई, कुछ भी हो सकता है। सो यार अभी हम लोग हमारी सिक्योरिटी को तो बुलाएंगे, बट गाइस वेट करना पड़ेगा ठीक है ना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जाएंगे और भाई अटैक कर देंगे, पहले सब कुछ देखना पड़ेगा क्या सीन है और क्या नहीं है। सो चल यार धीरे धीरे चलते हैं, और टॉमी कह रहा है कि देख यहाँ पर ही का लोकेशन है जो कि इनकी हैकर जो भी पता नहीं ये लोग बहुत दिन से स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पे ना सोने की खान है मतलब माइन बोल सकते हैं। एक सेकंड ये कौन है,
भाई ये बंदा कौन है पता नहीं गाइस। और यहाँ पे कमांडो है मार्टिन का, और ये दो लोग कौन है, और इसके पीछे रोबोट टाइप पता नहीं क्या है ये यार। इसकी एक की आंखें फूटी हुई यार, ये तो भाई इनकी बॉडी देख रहे हो ना यार, ये लोग कौन है नए गाइस, मुझे नहीं पता, ये मार्टिन तो नहीं है भाई साहब। पता नहीं यार क्या बातचीत कर रहे हैं। टॉमी ये कौन है तुझे पता है क्या? टॉमी कह रहा है कि यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इन दोनों को, मुझे नहीं पता यार गाइस, ये कुछ नए लोग आ चुके हैं। सो चलो यार फटाफट से ना भाई, इसका हेलीकॉप्टर भी है देख रहे हो, यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी है भाई लोग। मुझे नहीं पता क्या सीन है यार, ये अभी भी बातचीत कर रहे हैं, अभी ना हमको वेट ही करना पड़ेगा भाई। यार गाइस देखने वाले, आराम से इधर आ जा टॉमी, इधर आ जा भाई। पता नहीं क्या सीन है भाई, इनकी बॉडी देख रहे हो, मतलब भाई क्या ही शैतान टाइप लग रहे हैं ना भाई, मुझे नहीं पता। अब गाइस देखते हैं गाइस, पता नहीं ये लोग क्या करने वाले, पता नहीं क्या बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है डील वील करने आए सोने की, क्योंकि ये डील के मतलब सोने की खदान है ना यार। अब ना ये जा रहा है गाइस, पता नहीं भाई गुस्से में नजर आ रहा है भाई, भुक्खे मार रहा है किसी को भाई साहब, हेलीकॉप्टर में जा रहा है फुल स्टाइल में यार गाइस। भाई साहब यार ये कुछ नए लोग हैं, और इसकी सिक्योरिटी देख रहे हो भाई, रोबोट है भाई भाई लोग गाइस, ये तो भाई इसका चेहरा देख के ना भाई डर लग रहा है मुझे। और गाइस का एक और बंदा है, वो तो पूरा मास्क पहने, और दो सिक्योरिटी है इसके, पता नहीं रोबोटिक टाइप टर्मिनेटर के जैसे ही है। और ये हेलीकॉप्टर है पता नहीं कहाँ जा रहा है। चलो वैसे कोई हमें क्या गाइस, ये जो भी हो भाई ये इससे कोई दुश्मनी नहीं हमारी, हमारा काम है भाई मार्टिन का बेस तबाह करना। तो चलो यार वो तो चला गया, और चल टॉमी अपना काम करते हैं, वो तो चले गए पता नहीं जो भी थे, लगता है गाइस डील करने आए थे कोई। और गाइस पर बहुत डरावने थे यार, चेहरा देख के लग रहा था भाई मार्टिन का बाप हो, या पता नहीं यार पहले क्रूजर का भाई मार्टिन, अब मार्टिन का बाप ना हो ही है गाइस, मुझे लगता नहीं इसका बाप हो। चलो यार भाई अब मेरे का गाइस, मेरा भी गाइस टाइम आ चुका है, हमारी जो स्पेशल गन है ना भाई, अब मैंने ऐसी वाली गन लाया हूँ ना हाईटेक वाली, जिससे भाई बचना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। तो ये देखो गाइस ये वाली गन मैंने लाया हूँ, बहुत ही खतरनाक है। अब इसका देखो, अब इनकी भैंस किया, अब इनको दिखाता हूँ पावर क्या है, माइकल जी सेंटा विदाउट सिक्योरिटी के आया हो भाई। बट गाइस हमें देख समझ ही करना है भाई, मैं विदाउट सिक्योरिटी के आया हूँ, क्योंकि ना भाई भाई शांति से काम करना है भाई, विदाउट कोई मुश्किल तो भाई सब कुछ दबाने यार करना नहीं है। चल यार टॉमी फटाफट से आ जा मेरे पीछे, और अंदर चलते हैं, और रास्ता देख रहे हो बंद करके रखे, सो यार मैं अंदर आ चुका हूँ। और गाइस यहाँ पे फुल गाइस इनको मारता हूँ, और ये सब कुछ मेरे को उड़ाना है ठीक है ना भाई, ये पूरा का पूरा मेरे को उड़ाना है गाइस। ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे को सेट करना है अंदर, बट ये कुछ छोड़ ज़्यादा लोग नहीं अंदर मेरे को पता है। और ये देखो भाई कॉलम तोड़ दिया दीवार का गाइस, बिल्कुल ही गाइस खतरनाक गन है। और ये एक सेकंड गाइस, मेरे को लीडर ने बोला है कि ये जो है ना इसका माइंड उड़ा दो भाई, कितने सारे मिसाइल है, अगर हम यहाँ पे मिसाइल एक छोटा सा भी छोड़ देंगे ना फुल गाइस आग वगैरह लग सकती है। बट मुझे ऑर्डर मिला है कि ये उड़ाना है, तो आप लोग मेरे को बोलो क्या ये चीज़ हम लोग करें कि नहीं, मतलब इसको हम लोग उड़ा दें या खुद रख ले, आप लोग क्या बोलते हो मेरे को चैट में बताओ, क्योंकि ये जो बनकर है ना बहुत ही खतरनाक है भाई। चलो इनको मारता हूँ भाई सबको, भाई ख़त्म कर लेता हूँ भाई, मेरे पास इतनी खतरनाक डर है ना, इनकी भैंस किया भाई, सारा का सारा वेपन यहाँ से जाता है, और पता नहीं सोने की फैक्ट्री का है, मतलब सोने की खदान है, ये सोने को पिघलाता है, ये बिजनेस है इसका मार्टिन का भी मेरे को पता चला यार। गाइस ये गाइस इसने कहा कि ये सारा का सारा बनकर उड़ा दूँ, बट यार मेरा मन नहीं कर रहा है कि ये बनकर न्यूक्लियर से ब्लास्ट कर दूँ भाई, कितनी चीज़ें यहाँ पर देखो यार, इसकी बहस की यार। गाइस यहाँ पे गन भी बनती है यार, ये लोग गन यहाँ पे ही बनाते हैं खुद से, और बहुत कुछ यहाँ पे होता है गाइस। चलो कोई ना सबको मार देंगे, सबकी औकात दिखा देंगे उनको। और चलो भाई इसकी भैंस की आग पूजा कर रहा है इधर, और कोई है क्या? और कोई भी नहीं है भाई, ये देख रहे हो सोने की खदान है यहाँ पर, मैंने आपको बोला था। और ये लोग सारा का सारा सोना ना यहाँ से वो करते हैं पता नहीं। चलो यार और भी है क्या भाई साहब, बहुत बड़ी खदान है यार, इसको हमने बुला दे क्या? चलो यार फटाफट से ना, एक सेकंड मेरे को देख के रहना पड़ेगा भाई, ज़्यादा लोग नहीं अच्छी बात है, और इनको पता भी नहीं है कि मैं इधर आया हूँ भाई, बहुत कम लोग हैं भाई। ये देख रहे सोना पिघल रहा है इधर,
इसको मैं उड़ा दूंगा तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा भाई, क्योंकि इस बंदे ने मेरा इतना नुकसान करवाया है कि यार मुझे पैसा वसूल तो करना है ये सोने की फैक्ट्री हड़प करके। बट मुझे गैंग के लीडर ने बोला है कि यार ये फैक्ट्री तुमको भाई उड़ानी है, मतलब किसी भी हालत भाई कुछ बचना नहीं चाहिए, मिट्टी में होना चाहिए। जो भी अंडरग्राउंड है ना, ये अंडरग्राउंड बनकर पूरा मिट्टी में मिलना चाहिए भाई। इनको सबको तो मैंने मार दिया हूँ, बट गाइस मेरा मन तो नहीं कर रहा है ये देखो खोलने का। इतना सारा सोना है और यहाँ पे हर चीज़ मशीन है, पता नहीं क्या क्या सीन अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो और पता चलेगा। एक सेकंड और कोई छतरी मार रहा है इसकी भैंस की, आप मारे जा रहा है और गाइस यहाँ पे एक सेकंड अभी भी मार रहा है क्या भाई इसकी यार, इतना मारो, इतनी बढ़िया गन है मेरे पास भाई ये गन भाई सब मरा नहीं। और ये देखो भाई भाई गोल्डन मिनी गन है गाइस, और यहाँ पे सोना भी रखा। ये लोग ना सोने को पिघला के गन बना रहे हैं, पता नहीं गाइस क्या एक्सपोर्ट वाला गेम चल रहा है इनका भाई, बढ़िया वाला बिजनेस चल रहा है गाइस, खतरनाक वाला बिजनेस देख रहे हो भाई। इतना बड़ा मिसाइल है गाइस, गाइस क्या बोलते हो इसको भाई, उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है आप लोग बताओ चैट पे। यार अभी ना यार टॉमी मेरे साथ में, और टॉमी बोलेगा कि उड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि गैंग का लीडर का जो ऑर्डर है वो फॉलो करना पड़ेगा। बट गाइस मेरा तो कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, आप लोग बोलो। एंड एक सेकंड यहाँ पे कुछ, ये कौन है अंदर कोई दिखा मेरे को? एक सेकंड मैंने नोटिस किया अभी, इसके भैंस की यार तू कौन है वे? गाइस ये कह रही कि मुझे मत मारो, मैं तो जैसे यहाँ का मतलब फाउंडर हूँ, मतलब यहाँ के जो भी सब कुछ ना हैंडल करती हूँ। सो यार इसको मैं मारना नहीं चाहता हूँ, एक काम करता हूँ इसको जिंदा रहने देता हूँ, चूँकि ना ये जो फैक्ट्री है इसकी मतलब ये सब कुछ संभालती है, वर्कर वर्कर सब कुछ इसके। तो गाइस इसको जिंदा रखते हैं, टॉमी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ना भाई मैं सोच रहा हूँ इसको रख दूँ या ब्लास्ट कर दूँ। तो आप लोग बताओ चैट में हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा बहाना मैंने बनाता हूँ और बोलता हूँ कि देखो अभी ना हमें थोड़ा देर रुकना चाहिए फिर उसको वो करते। सो चलो थोड़ा बाहर की ओर चलते हैं, टॉमी पता नहीं यहाँ पे कुछ देख भाग कर रहा है। और गाइस थोड़ा सा बाहर चलते हैं एंड फिर पता चलते हैं गाइस ये कह रहा है कि कब ब्लास्ट करना है। भाई मैं इसको बोल दिया अभी ब्लास्ट नहीं करते, थोड़ा देर वेट करते हैं। एंड चलो थोड़ा सा ना बाहर होके आते गाइस, उसको बोलते हैं देख बॉम्ब मैं खुद ला लूँगा, थोड़ा सा आराम वगैरह करते हैं, अभी आज के दिन बहुत फाइट वगैरह हो गया है। तो मैंने इसको बोल दिया। और ये चीज़ देखो यार क्या क्या है यहाँ पर गाइस, भाई इतने बड़े बड़े मिसाइल्स है, इसको ब्लास्ट करने में हमारा कितना नुकसान होगा यार। अगर हम लोग इसी को ले लेंगे तो यार गाइस पहले हमने इतने सारे टैंक ब्लास्ट कर दिए, वैसे हमारे तो नहीं थे वो। और यहाँ पे बहुत कुछ रखा यार आर्मर वगैरह। और एक सेकंड यहाँ पे हम लोग बाहर के आ गए गाइस, ये क्या हो गया? एक्सक्यूज मी भाई मैं इधर बाहर निकला हूँ भाई, बाय बाय। एंड यार अब तो गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा अब क्या होने वाला है भाई, इतने सारे लोग और टॉमी तो झुक भी गया, मतलब भाई दोनों हाथ ऊपर कर दिए, बट ये कह रहे कि तुम भी अपना हाथ ऊपर करो। भाई देखो यार मैं तो भाई तुम मेरे को गोली मार दो बट मैं झुकने वाला तो हूँ नहीं भाई, आपको पता है माइकल क्या चीज़ है भाई, मैं झुकता नहीं, मैं झुकाने वाला काम करता हूँ। यार टॉमी तू तो झुक गया, बट यार देखो तुम मेरे को गोली मार दो या किडनैप कर दो भाई, बट मैं झुकने वाला तो हूँ नहीं गाइस, ठीक है ना? एक सेकंड भाई साहब, इतने सारे बंदे भाई साहब, कैसे क्या हो गया भाई साहब यहाँ पे, मेरी AI सिक्योरिटी आ चुकी है। ओहो भाई साहब, गाइस 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 भाई साहब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है भाई, मेरी AI सिक्योरिटी ना भाई वो रिपेयर होने के लिए, मतलब गाइस मजा आ चुका है कसम से यार, हैकर ने अपना काम कर दिया। और गाइस फाइनली सही टाइम पे ना मेरे को बचा लिया है, और भाई जितने भी लोग थे ना भाई सबको मार रही है, आपको पता है मेरा जो AI का रोबोट है ना भाई वो हो चुका था हैक, मतलब मोबाइल जो था ना वो मार्टिन के पास था और कंट्रोल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर मैंने हैकर को अपॉइंटमेंट दी थी कि यार ये जो भी था सब कुछ इसको डीएक्टिवेट करके फिर से उसमें सारा का सारा प्रोग्राम ऐड कर। और गाइस ये देखो भाई साहब क्या ही मजे हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरा AI रोबोट क्या ही ट्रिप आ रहा है सही समय पे, और फाइनली गाइस हम दोनों को बचा लिया। बट तुम्हारा भाई झुका नहीं है तो माइकल के आगे कोई गाइस कुछ बोल नहीं सकता है, तो इसको कहते गाइस किस्मत। और ये देखो इसकी भैंस की आग भाई सबको मारे जा रहा है भाई, मेरा AI सिक्योरिटी और मैं भी पीछे हूँ, और अब मैं देख रहा हूँ मतलब मैं भी ना थोड़ा नज़दीकी हूँ इसके, बस मेरे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है।
भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, देख रहे हो सबको मार दे रहा है छुट्टियों में भाई, भाई जस्ट ऐसे ना सबको मार दे रहा है जस्ट ऐसे एक सेकंड में। देखो इसको भाई एक ही सेकंड में भाई मिसाइल और सबको भाई, भाई साहब क्या ही मार रहा है ना कसम से गाइस, क्या ही बोलूं गाइस, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग देखो एक बार भाई, जस्ट एक सेकंड के अंदर इतने छोटे छोटे बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे ना भाई, ये लोग आते जा रहे हैं सबकी फाड़ते जा रहा है मेरा AI रोबोट। भाई साहब ये देखो भाई हेलीकॉप्टर ऐसा मार रहे जैसे भाई चुमटी हो भाई, और एक सेकंड ये टैंक कहाँ से आ गया भाई, टैंक को भी उसकी औकात दिखा देंगे कोई बात। और ये देखो भाई टैंक भी गया एंड इसकी भी भाई जस्ट काला हो चुका है, और ये भी फूट चुका है, और जितने भी लोग हैं ना भाई सब आ जाओ भाई सब मरेंगे AI रोबोट सिक्योरिटी के हाथ से। भाई टॉमी भी पीछे पीछे घूम रहा है, और भाई मैं भी उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई हमको बचाने वाला कोई नहीं है, बस AI सिक्योरिटी है, और मैं भी इधर से फायरिंग कर रहा हूँ कोई बात नहीं गाइस। भाई इतने सारे टैंक आ रहे हैं ना सबकी बोलती बंद हो रही है बिल्कुल ही, चलो कोई बात नहीं गाइस मज़ा ही आ चुका है। एंड ये देखो इसकी बैस की आगे इसकी देख रहे हो हिम्मत देख रहे हो, ये देख रहे हो एयर डिफेंस वाला मिसाइल तक लेके आ गया भाई, तो हेलीकॉप्टर तक लाया इधर, इसको लग रहा है हम लोग जेट प्लेन से हमला करेंगे भाई, यहाँ तो मैं ग्राउंड अटैक कर रहा हूँ। और ये देखो भाई हेलीकॉप्टर हवा में बोल दिया बिल्कुल ही यार, आप लोग चैट पे AIOP जरूर लिख देना अगर आप मेरे को समझ आएगा आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, सो AIOP लिख देना और सारे के सारे चेक पॉइंट दियो तो मेरे को समझ आएगा, पूरी वीडियो देख रहा हूँ तो मैं ऐसे ही खतरनाक वाली वीडियो लाते रहूँगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करना गाइस, उससे हमको हेल्प होता है, आप स्किप करते हो तो दिल से बुरा लग जाता, स्किप मत करना। चलो यार भाई और कितने लोग हैं भाई, सबको मारते हैं और फटाफट से घर भी जाना है, और गाइस मार्टिन का गेम ओवर करना है, अगर यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाती है तो यार गाइस फिर कल डाल दूँगा, वरना गाइस वीडियो लंबी हो जाती फिर गाइस प्रॉब्लम हो जाएगी, सो यार चलो कोई ना, अगर लंबी हो गई तो यार फिर समझ जाओ फिर मार्टिन को हम कल ही मारेंगे, अभी प्लान तो हमारा आज ही मारने का है, बट पार्ट टू मतलब जो भी है 33 जो भी है डाल देंगे कल। चलो यार गाइस फटाफट से सबको मार देते हैं, और इसकी पे इसकी आग, चल बेटा तू भी, ये देखो ऊपर ही भाई ये इतने ऊपर आ गया ना, इसको मार ही नहीं पा रहा भाई, तू नीचे आ जा, चल बेटा तू भी ले ले, और भाई इसकी भी औकात हमने दिखा दी है, और जो भी आ जाओ भाई साहब AI के सामने कोई टिक नहीं सकता है भाई, भाई AI के सामने SPG NLCO ब्लैक कमांडो भाई जितनी भी सिक्योरिटी ले लो भाई, उसके सामने कुछ नहीं है भाई, रोलेक्स सिक्योरिटी भाई पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी है भाई, सबकी औकात ना कुछ भी नहीं है AI रोबोट के सामने, मतलब ये ऐसी चीज़ है ना भाई, ऐसी चीज़ें सबकी बस की बात नहीं है, कोई इसको ले भी नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज़ ना गाइस डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिली हमको, और प्रेसिडेंट ने खुद मुझे दी थी क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। सो यार चलो यार अभी ना फटाफट से भाई ये सबको मार रहा है, मैं भी इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, और भाई पता नहीं यार वेट कर रही है, देखो हेलीकॉप्टर है भाई, ये देखो भाई मच्छर की तरह मसल दी है भाई, भाई आ जाओ मसल के रख देंगे भाई, मसल के रख देंगे गाइस, क्या ही सीन है ना गाइस, ये देखने का जो मज़ा है ना मतलब क्या ही बोले भाई, देखो भाई ऐसे जा रहे हैं ना, देखो कितने हवा में जा रहे हैं भाई, ये देखो दूर से आ रहे हैं दूर से भाई साहब, खत्म है इसकी एक गोली मतलब बॉम्ब की तरह होती है भाई साहब, देख रहे हो इतनी स्पीड है ना, ये देखो भाई जस्ट फायर किया एंड ब्लास्ट, भाई बस करो भाई कितना मरोगे भाई, मार्टिन बस कर दे भाई, तू तो आज निकला ही नहीं है भाई, मार्टिन का बच्चे को आज यहाँ पर ही मारना था, बट वो पता नहीं अब मेरे को दिखा नहीं माइंड के अंदर, पता नहीं छुप के बैठा है, बट अब छुप के बैठ या कुछ भी बैठ, अब उसके पास पैसा तो है नहीं, उसका जो माइंड सीक्रेट बनकर है वो हमारे हाथ लग चुका है, और उसका बेस तो मैंने उठा चुका हूँ, तो अब वो जाएगा डगन की तरफ भीख मांगेगा, और मुझे लगता नहीं डगन उसकी मदद करेगा, तो यार जब तक वो डगन के पास जाए उसकी मैं बैंड बजाने वाला हूँ। सो यार गाइस तो भाई बस करो भाई, कितने आओगे भाई, ये तो आते ही जा रहे हैं इसकी फैंस किया, बट चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब तक मार ले दो भाई अपन ना मस्त बह के, मैं उधर से देख रहा हूँ भाई, मैं और टॉमी बैठ के ना मस्त बह के मजे कर रहे हैं, एंड भाई और कुछ नहीं भाई, आप भी देखो हम भी देख रहे हैं, और भाई इनकी चटनी बनने में भाई मज़ा ही कुछ और, ये देखो भाई क्या ही हवा में उठ रहे भाई, भाई ये देखो इतने दूर से आ रहा है ना, और इतने दूर से ब्लास्ट, ये देखो गाइस कसम से यार क्या है ये क्या चीज़ है, और ये देखो इतने दूर से ना भाई डिटेक्ट कर लेता है इसको, कहते AI भाई मतलब इसका निशाना भी समझ नहीं आ रहा भाई, कहाँ गोली मारेगा कहाँ नहीं मारेगा, ये देखो ये आ रहा है छपरी जैसे, भाई हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम जस्ट भाई चल रहे, देखो पीछे मैं हूँ और मेरे पीछे टॉमी है, बस देख रहे भाई कमाल, और कुछ नहीं भाई साहब और कुछ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये देखो और आ चुके भाई, ये आने दो भाई टैंक लेके आ जाओ, कुछ भी आ जाओ भाई AI के सामने कुछ नहीं है भाई, कुछ
ये देखो भाई मच्छर की तरह भाई मसल दिया, और तू भी आ जा भाई, ये देखो भाई भाई टिक नहीं सकते भाई, मजाक नहीं है गाइस, जितनी तारीफ करूँ कम है भाई, आपने बस चैट पे ही आए हो की जरूरत ना, मेरे को पता चलेगा आप मेरी वीडियो देख रहे हो। और गाइस यहाँ पे देखो भाई सब कुछ ब्लास्ट, वरना मैं मार्टिन को ना आज ही मार देता अगर मेरे पास ये एआई रोबोट आ जाता ना कसम से गाइस, वरना मेरे को जेट प्लेन की ज़रूरत भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, इसी से ब्लास्ट कर देती सब कुछ। बट ये मेरा डीएक्टिवेट था, मतलब इस पर काम चल रहा था ना, बस कमांड हमको लेने थे और हैकर ने अपना काम कर दिया है भाई। कितने आए होंगे यार, बस करो भाई कसम से यार भाई, और भी आते जा रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ सबको पेल देंगे भाई। कितने टैंक भेजेगा गाइस, लग रहा है ना अब इसकी औकात आ चुकी है, अब एक एक बंदा भेज रहा है, देख रहे हो, ये देखो गाइस ये रही मार्टिन की औकात, बस अब कुछ नहीं रहा भाई, ख़त्म हो चुका है। अरे भाई प्लेन गिराएगा क्या भाई, आराम से भाई, कहाँ फायर कर रहा था प्लेन की, लगता है गलत चीज़ डिटेक्ट कर ली भाई ने। चलो यार गाइस सब कुछ ना तबाह नहीं हो चुका है, अब मेरे को लग रहा नहीं कोई आ पाएगा, बस भाई साहब और भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। चलो यार गाइस सब कुछ ना हो चुका है तबाह नहीं, और भी आ रहे हैं, चल बेटा तू मिले भाई, बस गाइस ख़त्म हो गया इन लोग का यार गाइस, भाई मैं भी देख देख के वो हो गया, मतलब कितना मारोगे यार, बस कर दे भाई, कितना मार खाएंगा मार्टिन, भाई साहब रुक ही नहीं रहे यार ये लोग, लग रहा है आज इसका पूरा खानदान ही मिट के रहेगा, सारी की सारी इसकी जो भी कमांडो सिक्योरिटी है ना भाई, सब तबाने सो ही रहेगी। चलो भाई मज़े आ चुका है कसम से, आज इतनी ज़्यादा फाइट हुई, आप लोग को कैसे लगा ज़रूर बताना भाई, इतनी फाइट ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं की, इतनी फाइट आज करनी पड़ती, इतने बड़े बड़े ब्लास्ट किए ना भाई साहब, ये देखो भाई क्या इसे क्या हो रहा है, और गाइस गजब है भाई। चल भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया वाला काम कर दिया है, और यहाँ पर गाइस सब कुछ तहस नहस हो चुका है भाई, भाई आराम से भाई, फुट नहीं रहा भाई, ऊपर जा नहीं रही थोड़ी अब गई, और भी है क्या कोई भाई, हम नीचे से मस्त बह के मज़े कर रहे हैं, पॉपकॉर्न खा के ना भाई बैठे, ये देखो और आ ही जा रहे, अरे भाई बस कर दे मेरे भाई, तुम लोग को डर नहीं लगता है यार रोबोट यार, बस हमको भाई एक ही काम है भाई, बस और कुछ नहीं, तुमको मारना और कुछ नहीं है। ये देखो आते जा रहे भाई, इनकी देख रहे ना इनकी दांत देखो कितने आते जा रहे भाई, कहाँ जा रही बोली, चल बेटे टू व्हीलर भाई, मार दे सबको, मार देंगे सारे के सबको भाई साहब, भाई ओवर पावर हो गई ज़्यादा ही, बस ज़्यादा ही ओवर पावर हो गई अपना रोबोट, और ये लोग भी इतने ऐसे आ रहे थे, हवाई जहाज में आ रहे थे, देखो ऊपर देखो ऊपर देखो ऊपर से ना भाई ड्रॉप कर रहा है ये सारे भाई, कितने ड्रॉप करेंगे, अब तो भाई इसका गेम ओवर हो चुका है, अब इसको पता चल गया है कि इसका गेम ओवर हो चुका है, अब ना गाइस अब इसको भी समझ आ चुका है कि इसका गेम ओवर है, सो इसलिए बंदे अपने सारे जितने भी बंदे आज ही सेंड कर रहे हैं, उसको पता है उसकी आज मौत है, सो ये लॉस सेंटर्स तब जा नहीं सकता है, क्योंकि लॉस सेंटर्स पे भाई सब कुछ हम लोग देख, हमारे सारे ना खबरी जब भी सब रेडी है, मतलब हर जगह काम ही, अपना जो गैंग के लीडर है उसने सब कुछ प्लानिंग कर रखी है, तो वो अब भाग भी नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, आधे काम हम कर रहे हैं आधे काम गैंग के बंदे कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है वो भाग जाएगा भाई, भाग नहीं पाएगा। सो गाइस अब ना सारे के सारे लोग मर चुके हैं, और फटाफट से मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं इसकी बार आपको पता है मैं जब भी जाता हूँ इसके ऊपर बैठ के जाता हूँ, और टॉमी तू काम कर अपनी ब्लैक फॉर्च्यूनर लेके आ जा, और तू ना ब्लैक फॉर्च्यूनर पे आ जा, और मैं इस पे बैठ के आ जाता हूँ, सो मैं ना गाइस अभी इसके ऊपर बैठने वाला हूँ। सो यार ये देखो गाइस मज़े आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है अपन इस पे बैठते हैं और अपनी ब्लैक फॉर्च्यूनर भी आ रही है, और अपना जो काम था ना वो अभी अधूरा है मार्टिन को मारने के लिए, तो अगले वीडियो में मार्टिन को मारेंगे। और मुझे पता नहीं है कौन सी गैंग की ये दो बंदे आए थे भाई, खतरनाक थे यार, और गाइस हमको ये ब्लास्ट भी करना है, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इसको ब्लास्ट करना है कि नहीं करना है, ये जो बनकर है ना इसमें इतना गाइस हम बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब सोना पिघला के ना बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आपने वीडियो देखी ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मेरे को चैट पे कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस आगे बहुत कुछ होने वाला है मज़ेदार, तो यार मिस मत करना, और वीडियो को तो स्किप ही मत करना यार, और बहुत कुछ होने वाला है, और आपको देख रहा हमारा रोबोट के साथ, तो यार चलो आपको मिलते हैं ना एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एपिसोड में, वरना वीडियो लंबी हो जाती तो मैं आज ही मार्टिन ख़त्म कर देता, सो बाय बाय।